गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइज आई होप आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे गाइज तो हमारा है आज का डे टू हम लोग सी ए फाइनल ऑडिट न्यू कोर्स का आईसीए का स्टडी मटेरियल बैच कर रहे हैं ये एकदम कॉम्प्रिहेंसिव बैच है आपका मॉड्यूल जैसा बना है बिल्कुल एज इट इज वही सीक्वेंस में हम लोग पूरा कवर करना इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर करना जितने भी स्टैंडर्ड्स रेफर किए गए हैं वो सभी स्टैंडर्ड्स को अच्छे से कवर करना तो इट्स अ अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव बैच गाइस और क्योंकि न्यू कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल रहने वाला है अगले कुछ अटेम्प्ट्स के लिए वो है नया स्टडी मटेरियल हमारा जो समरी बुक है सरल समरी बुक है इसके अंदर हमने पूरा मॉड्यूल पूरा कवर किया है बड़ा प्यारा सा लगभग 300 पेजेस के अंदर हम पूरा का पूरा का मॉड्यूल कवर कर रहे हैं और लगभग 80 आवर्स के अंदर हम पूरा उसको अच्छे से कवर करेंगे हर पॉइंट बताते वक्त मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं कि इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा केस स्टडी कैसा आएगा इसको कैसे अप्लाई करना है और हर लेक्चर के बाद में आपको इसका ऑडियो रिविजन मिलेगा पहले लेक्चर का हम नहीं दे पाए थे कोई बात नहीं अभी इस आज से आज से, आज से आपको फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर दोनों का ऑडियो रिविजन मिलेगा जो बच्चे रजिस्टर्ड है उनको एक लिंक मिली हुई है वो लिंक में ये नोट्स की सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है वहीं पे ऑडियो भी आएंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और जैसी हमारा ये पहला वर्जन बन जाता है बुक का वो आपको मिल जाएगा हार्ड कॉपी के थ्रू चलिए फटाफट फड़। और हम लोग आपके डाउट्स क्लास के बाद में यस गाइस क्लास के बाद में हम लोग क्लास के बाद में आपको ऑडियो भी मिलेगी विल बी गेटिंग ऑडियो यू विल बी गेटिंग ऑडियो आल्सो एंड विल बी गेटिंग कंप्लीट रिवीजन आल्सो चलिए फटाफट हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका फटाफट हम लोग रिव्यूजन देख लेते हैं अगर हम लोग देंगे तो सिंपल सा एक केसरी था एक बैंक एक बैंक में ऑडिटर ब्राइब एक्सेप्ट करके कुछ चीजों को एनपीए रिपोर्ट करता है कुछ चीजों को एनपीए रिपोर्ट नहीं करता है तो बहुत ही बुरी बात है हमारे नए मॉड्यूल में सबसे पहला केसट्री था इंट्रोडक्शन में सिंपल सी बात बोली है एथिक्स मतलब क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है हर प्रोफेशन के एथिक्स होते हैं सीए इंस्टीट्यूट के भी एथिक्स है हमारा कोड ऑफ एथिक्स है अगर फॉलो नहीं करोगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है कोड ऑफ एथिक्स के चार पार्ट है पहला पार्ट सभी को एप्लीकेबल है पार्ट टू जॉब करने वालों के लिए है पार्ट प्रैक्टिस वालों के लिए है इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड खास प्रैक्टिस वालों के लिए कैसे इंडिपेंडेंस मेंटेन करना उसका पार्ट फोर ए जो है फोर ए उनके लगता है जो ऑडिट या रिव्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट फोर बी नॉन ऑडिट अगर नॉन ऑडिट आप सर्विसेज दे रहे हो

रिक्वायरमेंट सेक्शन कौन सी चीजें मैंडेटरी है इन जनरल एंड स्पेसिफिकली और उसको अप्लाई कैसे करना है तीन चीजें आपको दिखेगी सबको अप्लाई कर कंप्लाई करना जरूरी है अनलेस अगर लॉ अगर लॉ करता है तो डेफिनेटली लॉ को फॉलो करना पड़ेगा पांच हमारे प्यारे प्यारे से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसके बारे में हम पढ़कर आए गाइज जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वहां पे ए मार्क करते जा रहा हूं और एग्जाम में इसके केसेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है फटाफट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इंटीग्रिटी का मतलब हम लोग देख चुके थे ऑनेस्टी स्ट्रेट फॉर से चलना बुरी चीजों के साथ में एसोसिएट एसोसिएट मत होइए होने के बाद पता चला तो उसको छोड़ दीजिए लेकिन अगर आप मॉडिफाइड रिपोर्ट देते हो तो आपने आपका धर्म निभाया आपने सब कुछ सही किया अच्छा किया अच्छा ऐसा माना जाएगा अनबायस्ड रहिए बीइंग ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड रहिए अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर आता है तो फिर आपने वो असाइनमेंट लेना नहीं चाहिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आपको अटेंड भी करना है मेंटेन करना है उसके हिसाब से आपको काम करना है रेगुलरली अपने नॉलेज को अपग्रेड अपडेट करते रहना है इतना ही नहीं आपके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अटेन कर रहे हैं मेंटेन कर उसके हिसाब से काम कर रहे देखना है और प्लीज आप जरूर अपने सभी क्लाइंट्स को बताइए कि आप सर्विस तो दे रहे हैं लेकिन उसके लिमिटेशंस क्या है प्रॉब्लम्स क्या है शॉर्टकमिंग्स क्या है बताते जाइए ये सब हम लोग डिस्कस करके आए कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग डिस्कस करें बी एक्सट्रीमली केयरफुल खासकर अपने क्लोज फैमिली रिलेटिव क्लोज एसोसिएट फ्रेंड्स प्लीज उनको कुछ डिस्कलोज मत करिए फर्म के अंदर क्लाइंट के साथ भी इंफॉर्मेशन का मिस यूज मत करिए वैक्सीन क्या आप इसको कॉनिडिक कर सकते हैं यस लीगल रिक्वायरमेंट है अगर लीगल रिक्वायरमेंट तो आप इसको कॉनिडिक कर सकते आप कॉन्फिडेंसली को तोड़ सकते रिक्वायर्ड बाई लॉ या फिर रेगुलटरी रिक्वायरमेंट है वहां पर देखना पड़ेगा कि exactly क्या लिखा हुआ है या फिर उससे छोटा रिव्यू प्रोसीजर है रिव्यू रिव्यू क्वालिटी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप बताना चाहते हो बिल्कुल बताइए देखिए लेकिन किसको हार्म होने वाला है इन्फॉर्मेशन सही है ना मेथड ऑफ कम्युनिकेशन प्राइवेट मीटिंग होना चाहिए कौन है रेसिपियंट वो भी देखिए फिर भले आपका क्लाइंट अब वो नहीं रहा फिर भी आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना चाहिए प्रोफेशनल बिहेवियर देखा लॉ का सम्मान करिए अग्रीमेंट का सम्मान करिए कुछ भी ऐसा मत करिए जब आप प्रमोट करते हो खुद को क्लाइंट को पिच करते हो कि मेरी सर्विसेस लो प्लीज एग्जैग्रेड क्लेम मत करिए दूसरों का डिसरिस्पेक्ट मत करिए प्लीज ठीक है कभी कभी ऐसा होता है कि दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपस में भिड़ गए तब हमको प्रोफेशनल जजमेंट लाके तय करना पड़ेगा इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना और उसको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा ये मैटर था कैसे उससे बाहर आए हमने इसके भी एग्जाम्पल देखे थे बच्चों अगर आपको याद आ रहा है तो इफ यू कैन रिमेम्बर हमने देखा था कि कैसे एक तरफ होता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बहुत केयरफुली काम करिए और एक तरफ होता है प्रोफेशनल बिहेवियर आपने जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन किया उसका सम्मान करिए टाइम पर ऑडिट करके दीजिए या आपस में भिड़ गए कैसे इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी आपस में भिड़ जाते हैं ये भी हम पहले लेक्चर में देख कर आए एक ही बार दो बार तीन बार चार बार जितना आप सुनते जाएंगे जितना होते जाएंगे आपके दिमाग में बार बार ये लेकर आएंगे आप उतना कंफर्टेबल होंगे सब्जेक्ट में और आप उसको अच्छे से अप्लाई भी कर पाएंगे करेक्ट सो गाइस लेट्स फ्रीज हम लोगों ने बहुत ही प्यारा बैकग्राउंड देखा और उसमें हम लोगों ने पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आपने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है और मैं जो देख रहा हूं कि इसके ऊपर केसेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्सेस में इसी के ऊपर सबसे ज्यादा केसेस पूछे जाते हैं नाउ जब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लगाने जाएंगे तो आपके सामने थ्रेट्स आएंगे थ्रेट्स मतलब ऐसे सिचुएशन जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आप तोड़ दो उसको फॉलो नहीं कर पाओ आपने आइडेंटिफाई करना चाहिए थ्रेट ठीक है हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे थ्रेट को आइडेंटिफाई करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त की कंपनी है तो आपके ऊपर एक सिंपति होगी अपने दोस्त की तरफ ये एक प्रकार की थ्रेट है आपने इवेल्युएट करनी चाहिए थ्रेट ये कितनी बड़ी थ्रेट है क्या ये आपका ओपिनियन हिला के रख सकती है क्या इसकी वजह से आप कुछ गलती कर सकते हो और फिर आपने एड्रेस करना चाहिए हो सकता है कि ये असाइनमेंट भले ही आपके फॉर्म ने लिया हो लेकिन आप किसी और पार्टनर से कराओ उसको बोलते एड्रेसिंग थ्रेट हो सकता है ये असाइनमेंट आप काम करने के बाद में बाहर की एक फॉर्म से उसका काम फिर से चेक करवाओ इसको बोलते एड्रेसिंग थ्रेट तो जब भी

क्लाइंट अच्छा करेगा तो आप अच्छा करोगे या फिर कोई दूसरा बेनिफिट आपका प्रमोशन जुड़ा हुआ है तो वो पर्सनल बेनिफिट को प्रोटेक्ट करने में आप गलत चीजें कर सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को तोड़ सकते हो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए कि आप खुद का काम खुद चेक कर रहे हो उस चक्कर में आप फंडामेंटल प्रिंसिपल को तोड़ सकते हो सेल्फ रिव्यू थ्रेट फिर आप जब क्लाइंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हो उसके शेयर आने वाले प्रमोशन प्रमोशन के चक्कर में सच झूठ सही गलत सब कुछ भूल कर आप हो सकता है गलत चीजों को प्रमोट करने लग जाए झूठी चीजें प्रमोट करने लग जाए गलत बोलने लग जाए फैमिलिरिटी थ्रेट जब सामने वाला आपके साथ में बहुत क्लोज है एक रिलेशन है तो सिंपथी के वजह से आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को तोड़ सकते हो इंटिमिडेशन थ्रेट आपको कोई डराए धमकाए उस वजह से आप फंडामेंटल प्रिंसिपल को तोड़ सकते हो गाइज इतनी चीजें इतनी चीजें हम लोगों ने देखी थी फर्स्ट लेक्चर में तो बहुत प्यारा सा सिंपल सा बैकग्राउंड था कोड ऑफ एथिक्स के पार्ट थे पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल थे और इसी के पांच थ्रेड्स है तो पांच हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है इसी के अगेंस्ट आपके पांच थ्रेट है थ्रेट्स। अब चलते हैं। आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं नाउ लिंग मॉड्यूल में मॉड्यूल में इन लोगों ने एग्जाम्पल्स दिए हैं थ्रेट्स के थ्रेड्स के एग्जाम्पल दिए हैं पहले एग्जाम्पल दिए हैं वो चार्ट अकाउंटेंट्स के लिए वो चार्ट अकाउंटेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस में है वो चार्ट अकाउंटेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस में है एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट और फिर उन्होंने वापस थ्रेड्स के एग्जाम्पल दिए वो चार्ट अकाउंटेंट्स के लिए जो जॉब कर रहे हैं सर्विस में हैं, ठीक है प्रोफेशनल सर्विस देखो यहां पे प्रोफेशनल सर्विस देना मतलब एज अ प्रोफेशनल सामने वाले को सर्विसेज देना वेरी वेरी सिंपल लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ फाइव फंडामेंटल थ्रेट्स फॉर अ प्रैक्टिसिंग चार्ड अकाउंटेंट इज़ गिविंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू द क्लाइंट Is giving professional services to the client. Let's लेट्स देखिए अगर आप ध्यान से इस समरी को देखेंगे तो हर जगह पे आपको चीजें याद करने के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है समथिंग और दी अदर इज ऑलवेज गिवन अगर आपने वो स्मार्टली देख लिया मैं आपको बता रहा हूं आपको याद रखने का जो हेडेक है वो टेन परसेंट हो जाएगा यस yes, गाइस 10% लिटरली स्पीकिंग आपको एफर्ट्स बहुत कम लगाने पड़ेंगे बहुत ही कम चलिए देखते हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को इसको याद रखने देखो हमने क्या किया कुछ पॉइंट्स देखिए सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ याद रखना मुश्किल होता है सारे के सारे पॉइंट्स को एक साथ याद में रखना बहुत मुश्किल होता है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको छोटे-छोटे पार्ट्स -छोटे में ग्रुप कर दो अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ग्रुप कर दोगे तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा लेट्स सी तो हम लोगों ने क्या किया है बिफोर असाइनमेंट कुछ पॉइंट्स है बिफोर असाइनमेंट उससे जोड़ दिया कि भाई असाइनमेंट के पहले आपको कुछ चीज दिख सकती है फिर कुछ पॉइंट है फॉर असाइनमेंट फिर कुछ पॉइंट है ड्यूरिंग असाइनमेंट ऐसे तीन ग्रुप्स में हम लोगों ने उसको बांट दिया लेट्स अंडरस्टैंड अगर ऐसा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पर्सनल या बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ में तो वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने जाएगा अपने वाइफ या उनकी फैमिली गर्लफ्रेंड पर्सनल रिलेशन है पर्सनल कनेक्शन है तो वो अपने वो अपने पर्सनल रिलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जाएगा देखिए प्रिंसिपल है, है यहाँ पे पर्सनल कनेक्शन मतलब क्या फैमिली मतलब क्या ये सब कुछ defined नहीं है इट इज नॉट डिफाइंड इमीडिएट फैमिली आएगी क्या उसके बाद के मेरे कजिन आएगी क्या दिस इज नॉट लॉ दिस इज दिस इज नॉट लॉ दिस इज नॉट टैक्सेस गाइज दिस आर प्रिंसिपल प्रिंसिपल डिस्कशन है और आपको आपको बिल्कुल यहाँ पे हर जगह पे आपको प्रोफेशनल जजमेंट लगाना होगा तो अगर पर्सनल रिलेशन है रिश्तेदारों की कंपनीज है इनलॉज की कंपनी है या फिर बिजनेस रिलेशनशिप है क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप अरे हमारा चार्ट अकाउंटेंट हमारा चार्ट अकाउंटेंट इनका सप्लायर है माय गॉड चार्ट अकाउंटेंट उसकी फैमिली सप्लायर है इस कंपनी की प्रोफेशनल कस्टमर है इनसे दिन रात का ट्रेडिंग है इनसे दिन रात का लेना देना है अगर चार्ट अकाउंटेंट का पर्सनल रिलेशनशिप है पर्सनल रिलेशनशिप है या बिजनेस रिलेशनशिप है तो चार्ट अकाउंटेंट ये रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जाएगा और इस चक्कर में हो सकता है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज कर दे इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी से वो कॉम्प्रोमाइज कर दे तो रिलेशनशिप होना पर्सनल या बिजनेस रिलेशनशिप होना क्लाइंट के साथ में इट इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो जाएगा ठीक है फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर चार्ट अकाउंटेंट का डायरेक्टली डायरेक्ट डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेक है इन क्लाइंट्स बिजनेस फाइनेंशियल स्टेक है डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेक है क्लाइंट के बिजनेस में मतलब शेयर्स में पैसा लगा हुआ है डिबेंचर्स में पैसा लगा हुआ है बहुत हेवी लोन देकर रखा हुआ है अगर ऐसा डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट जुड़ा हुआ है क्लाइंट के साथ में देखो उन्हें बोला नहीं है कि एग्जैक्टली exactly इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या बोरोइंग्स ऐसा बोला नहीं है ये प्रिंसिपल्स है अगर अगर चार्ट अकाउंटेंट का फाइनेंशियल बेनिफिट क्लाइंट के साथ में जुड़ा है क्लाइंट के साथ में जुड़ा है तो वापस वो अपने फाइनेंशियल बेनिफिट का ख्याल रखेगा अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मतलब होता है बेनिफिट उसका ख्याल रखेगा और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है Guys, तो बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है ऑडिट शुरू होने से पहले ही देख लिया रिलेशनशिप्स है पर्सनल और बिजनेस रिलेशनशिप, इसके वजह इट्स अ थ्रेट टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल पैसा लगा है शेयर्स में पैसा लगा है डिबेंचर्स में पैसा लगा है बॉन्ड्स में लोन में इसके इसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में फिर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है फंडामेंटल प्रिंसिपल से इट इज थ्रेट अगला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है अगला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है केस स्टडी आ सकती है ठीक है केस स्टडी आ सकती है गाइस इस चीज की लो फीस सर ये क्या बात हुई नया नया बंदा चार्ट अकाउंटेंट बनाए बस मुझे काम चाहिए किसी भी बेसिस थो. मुझे काम चाहिए मुझे काम चाहिए किसी भी बेसिस पे, पे अनशंट लो ऑडिट फीस चार्ज कर रहे हैं लोग एक लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं ये तीस हजार रुपए कर रहा है बीस हजार रुपए कर रहा है काम चाहिए काम चाहिए काम चाहिए बहुत लो ऑडिट फीस खुद को क्लाइंट चाहिए खुद को प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करनी है खुद को क्लाइंट चाहिए खुद के बेनिफिट के लिए लो ऑडिट फीस चार्ज कर रहा है लेकिन इतनी लो ऑडिट फीस चार्ज करेगा तो काम करने के लिए टीम कहां से लाएगा अगर टीम नहीं होगी तो केयरफुली काम कैसे करेगा खुद के प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश करने के चक्कर में क्वालिटी की धज्जिया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर की धज्जिया उड़ा दी वापस इससे लो फीस चार्ज कर करने से खुद के बेनिफिट के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल से इट इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में केस आएगा खुद की प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए इस ये बंदा लो फीस चार्ज कर रहा है लेकिन क्वालिटी काम नहीं कर पा रहा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और केयर से काम नहीं कर पा रहा इट विल बी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अगर मैं बात करता हूं फिर मैं बात करता हूं ड्यूरिंग द असाइनमेंट भाई साहब ड्यूरिंग द असाइनमेंट अकाउंटेंट हैविंग प्रिवलेज एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल डेटा विथ रिस्क दैट दिस इंफॉर्मेशन कुड बी यूज फॉर पर्सनल गेन पर्सनल गेन कॉम्प्रोमाइजिंग अगर ऐसी चार्ट अकाउंटेंट के बात में बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, है और इससे बहुत सारा फाइनेंशियल गेन बना सकते हैं प्रिविलेज बहुत सीक्रेट डेटा है फॉर एग्जाम्पल उसके पास में सीक्रेट फॉर्मूलाज है कंपनी के आर एन डी के फॉर्मूलाज है ठीक है कंपनी के प्रोडक्ट डिटेल्स है कंपनी की फ्यूचर स्ट्रैटेजी है और उसके पास उसका खुला एक्सेस है खुला एकदम खुला एक्सेस है और कोई रोक खुला एक्सेस है कोई सुपरविजन नहीं है कोई रोक टोक नहीं है इस सिचुएशन के अंदर यू शुड बी वेरी केयरफुल पर्सनल बेनिफिट पर्सनल बेनिफिट ये सिचुएशन में पर्सनल बेनिफिट के लिए हो सकता है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मार्केट में शेयर कर दे तो बहुत सारा जब डेटा मिल जाता है जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है जिससे करोड़ों बन सकते हैं वापस एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाता है ठीक है अगला बहुत इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एरर डिस्कवरी चार्ट अकाउंट काम करने गया और उसने ऐसा देखा ठीक है प्रीवियस सर्विस पिछले साल बड़ी बड़ी गलतियां है पिछले साल बड़ी बड़ी गलतियां है इसी के कलीग ने बड़ी बड़ी गलतियां की है इसी के फॉर्म ने बड़ी बड़ी गलतियां की है अपने फॉर्म की इज्जत को बचाने के लिए अपने फॉर्म के रेपुटेशन को बचाने के लिए खुद के रेपुटेशन को बचाने के लिए हो सकता है वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां मिल रही है खुद के रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इंटीग्रिटी से हाथ धो बैठे सेल्फ इंटरेस्ट से हाथ धो बैठे एरर डिस्कवरी के बाद प्रोटेक्टिंग हिज फर्म्स रेप्युटेशन प्रोटेक्टिंग हिज फर्म्स रेपुटेशन गाइज आई होप इट इज क्लिस्टर केयर बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है फिर से बता देता हूं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट और मैं बता रहा हूं एक एक चीज एक एक चीज एक केस स्टडी आएगी एक एक चीज एक केस स्टडी आएगी और ये पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में न्यू कोर्स में दिस विज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन वापस असाइनमेंट शुरू करने से पहले आपने देखा रिलेशनशिप पर्सनल और बिजनेस रिलेशनशिप है ठीक है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गलत काम सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आपका डायरेक्टली बहुत सारा पैसा शेयर्स डिवेंचर्स बॉन्ड्स में लोन में लगा है उसको बचाने के लिए गलत काम हो सकता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट

सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एरर डिस्कवरी बड़े बड़े एरर्स मिले पिछले साल के हम खुद ही ऑडिटर थे हमारी टीम ही ऑडिटर थी अपने फर्म का नाम खराब ना हो अपने टीम का नाम खराब ना हो हमारे फर्म के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स मतलब ऑडिट करने का तरीका क्वालिटी ऑडिट के लिए जो हम सिस्टम्स बनाते हैं स्टेप्स बनाते हैं उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स उसका नाम खराब होगा उस चक्कर में लोग गलत काम करने से वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो आपके दो बिफोर असाइनमेंट के दो पॉइंट बन गए फॉर असाइनमेंट का एक पॉइंट बन गया ड्यूरिंग असाइनमेंट के दो गाइज मैं हर चीज में आपको फ्लो बताते जाऊंगा ताकि आपको समझना और याद रखना दोनों बहुत आसान हो जाए लेट्स सी गाइज सेल्फ रिव्यू थ्रेट सेल्फ रिव्यू थ्रेट आपने ही कंपनी के आपने ही कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप किया था और आज आपको ही बुला रहे हैं इंटरनल ऑडिट करने के लिए आपने ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था आज आपको ही बुला रहे हैं इंटरनल ऑडिट करने के लिए खुद का काम आप खुद चेक करने वाले हो ये क्या हो जाएगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट दिस विल बी सेल्फ रिव्यू थ्रेट आपने ही सिस्टम बनाया था आप ही चेक कर रहे हो आपने ही फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दी थी आप ही इवेल्युएट कर रहे हो आपने ही बोला आपने ही बोला था एमेलगमेशन होना चाहिए और आप ही देख रहे हो कि एमेलगमेशन का इफेक्ट क्या है आपने ही चीजें एस्टैब्लिश की थी आपने ही कंसल्टेंसी दी थी और अब आप ही उसको इवेल्युएट कर रहे हो इवेल्युएशन आफ्टर इंप्लीमेंटेशन इसकी वजह से आ जाएगा ठीक है अश्योरेंस आफ्टर प्रिपरेशन आपने ही आपने ही फिक्स ऐसे रजिस्टर बनवाया था आपने ही एस की कंसल्टेंसी दी थी आपने ही सब्सिडरी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाए हैं आपने ही ब्रांच बनवाया है आपने ही एम्प्लॉय बेनिफिट की अकाउंटिंग करवाई है आपने ही डेफर टैक्स कैलकुलेट करवाया है आपने ही सब्जेक्ट मैटर को बनाया है और अब आप ही ऑडिट कर रहे हो अश्योरेंस आफ्टर प्रिपरेशन करेक्ट सेल्फ रिव्यू थ्रेट बहुत सिंपल है जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप आपका काम खुद चेक कर रहे हो आप आपका काम खुद चेक कर रहे हो विल बी सेल्फ रिव्यू थ्रेट ठीक है अगर आप चीजें इंप्लीमेंट करके आप खुद चेक कर रहे हो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आप चीजें बनाने के बाद आप खुद ऑडिट कर रहे हो फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेट गाइज नेक्स्ट है आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया खुद के बेनिफिट को प्रोटेक्ट कर रहे हो self interest threat. खुद के बेनिफिट प्रोटेक्ट करने के चक्कर में होगा, खुद का काम खुद ही चेक कर रहे हो देखिए हर किसी के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं एग्जाम में ऐसे केस आप एक कंपनी का आईपीओ प्रमोट कर रहे हो आप एक कंपनी का प्रोस्पेक्टर्स बना रहे हो आप उसका आईपीओ प्रमोट कर रहे हो उसका वैल्यूएशन बूस्ट कर रहे हो उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो ये प्रमोशन प्रमोट करना कंपनी को कंपनी का नाम कंपनी का धंधा कंपनी का वैल्यूएशन इन सब चक्कर में जब आप अगर बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं छोटी बातों को प्रमोट कर सकते हैं मिसलीडिंग बातों को प्रमोट कर सकते हैं सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हैं इसके चांसेस है ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में गिरना कोई गुना नहीं है ये थ्रेट्स के अंदर गिरना कोई गुना नहीं है लेकिन ऐसी थ्रेट जब होती है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए ये बहुत जरूरी है इवेल्युएट करके एड्रेस करना चाहिए आप एडवोकेट हो कंपनी के आप कंपनी के लिए केस लड़ रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ में आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो सेबी के सामने आरबीआई के सामने और डिफेंड करते करते हो सकता है झूठी बातें बोलने लग जाए गलत बातें बोलने लग जाए मिसलीडिंग बातें बोलने लग जाए इंटीग्रिटी की धज्जिया उड़ जाए इसके चांसेस है इस सिचुएशन को बोलते हैं एडवोकेसी थ्रेट आप जिसको एडवोकेट कर रहे हो जिसको सपोर्ट कर रहे हो ठीक है हो सकता है उस चक्कर में आप गलत काम कर दो लॉबिंग आपके क्लाइंट के फेवर में कोई लॉ बनना चाहिए क्लाइंट के फेवर में कोई लॉ आना चाहिए कोई अमेंडमेंट आना चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए इसलिए आप पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहे हो उनके लोगों से मिल रहे हो उनको कन्विंस कर रहे हो उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हो करते करते हो सकता है झूठी जानकारी मिसलीडिंग जानकारी देते दैट इज एडवोकसी थ्रेट दैट इज एडवोकेसी थ्रेट आर यू तो बहुत सिंपल सा है एडवोकसी थ्रेट प्रमोशन करते वक्त हो सकता है डिफेंड करते वक्त आप किसी को डिफेंड कर रहे हो एडवोकेट बने हो तब ऐसा हो सकता है लॉबिंग करते वक्त ऐसा हो सकता है ठीक है एडवोकेसी थ्रेट क्या शॉर्टकट पाल ठीक है पाल के अंदर एडवोकेसी थ्रेट हो सकती है पाल को इमेजिन करो जितना रहेगा उतना प्रमोशन करते वक्त एडवोकेसी करते वक्त या लॉबिंग करते वक्त एडवोकेसी थ्रेट हो सकती है नाउ फैमिलियरिटी थ्रेट अगर सामने कोई ऐसा बंदा है अगर सामने कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ आप बहुत ही क्लोज हो वो आपका रिश्तेदार है आपका फैमिली मेंबर है, उसके लिए आपके मन में सिंपति है सिंपति के चक्कर में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल से सामने वाले को नुकसान ना हो उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो इंटीग्रिटी से ऑनेस्टी से झूठी रिपोर्ट आप दे सकते हो देखिए दिस रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट सिचुएशन प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैज अ क्लोज और इमीजिएट फैमिली मेंबर जब क्लोज इमीजिएट फैमिली मेंबर होल्ड पोजिशन क्लोज फैमिली मेंबर होल्ड पोजिशन एज डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट अगर हमारा फैमिली मेंबर क्लोज इमीजिएट क्लोज या इमीजिएट फैमिली मेंबर कंपनी में डायरेक्टर बनकर बैठा है ऑफिसर बनकर बैठा है उसके अगेंस्ट कैसे जाएंगे हम लोग बहुत मुश्किल जाएगी फैमिलियरिटी थ्रेट लॉन्ग एसोसिएशन अभी पहले सबसे फैमिली की बात है उसके बाद लॉन्ग एसोसिएशन 20 साल से काम कर रहे 30 साल से काम कर रहे पांच पचास साल से काम कर रहे अरे सुनो सिर्फ कंपनी थोड़ी होती है पार्टनरशिप भी तो होता है प्रोपराइटर होता है ये जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं ना सभी तरह के ऑडिट्स को ध्यान में लाओ सिर्फ कंपनी ऑडिट ध्यान में मत रखो सर कंपनी ऑडिट में तो रोटेशन बिल्कुल लग जाता है यहाँ पे जो हम लोग थ्रेट डिस्कस कर रहे हैं ना इसमें से बहुत सारे थ्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए में हमारे पास में डिसक्लिफिकेशन है करेक्ट लेकिन हर सिचुएशन कवर्ड नहीं है और ये चीजें सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है आप प्रोपराइटर का ऑडिट कर रहे हैं वहां लगेगा पार्टनरशिप ऑडिट कर रहे हैं वहां लगेगा ट्रस्ट को ऑइट कर रहे हैं वहां लगेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर रहे हैं वहां लगेगा ठीक है आर्टिफिशियल लीगल का ऑडिट कर रहे हैं वहां लगेगा गवर्नमेंट का ऑडिट कर रहे हैं वहां लगेगा ये जो हम पढ़ रहे प्रिंसिपल्स ये हर ऑडिट को लगते हैं इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी ऑडिट ठीक है नाउ अगला बहुत इंटरेस्टिंग है फैमिली मेंबर बैठे हैं बड़े पोस्ट पे कैसे जाओ फैमिली थ्रेट इतना लंबा एसोसिएशन है बीस तीस चालीस पचास साल से इसके अगेंस्ट रिपोर्ट कैसे दू ठीक है हमारे बच्चों में आपस में शादियां हो रही है कैसे इसके अगेंस्ट रिपोर्ट दू फैमिलियरिटी थ्रेट रीसेंट हो रीसेंट वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे आने के चांसेस बहुत ज्यादा गाइज मेरी बात को नोट करके रखना इसमें एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे केस स्टडीज में आएगा रीसेंट एंगेजमेंट पार्टनर जो बंदा जो बंदा ऑडिट टीम में एंगेजमेंट पार्टनर था जो बंदा ऑडिट टीम में एंगेजमेंट पार्टनर था आज वो बंदा कंपनी में डायरेक्टर बन चुका है आज वो बंदा कंपनी में डायरेक्टर बन चुका है कंपनी में ऑफिसर बन चुका है या कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय बन चुका है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन है सब्जेक्ट मैटर से डायरेक्ट कनेक्शन है आज हमारा बंदा जाकर वहां बैठ गया है कैसे मेरे गुरु के अगेंस्ट जाओ हाउ कैन आई गो अगेंस्ट माई ओन गुरु कैसे मैं डायरेक्टर के अगेंस्ट रिपोर्ट दू ऑफिसर के अगेंस्ट रिपोर्ट दू जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है उसके अगेंस्ट रिपोर्ट में कैसे दे दू फैमिलरिटी थ्रेट फैमिली मेंबर बैठा है सामने फैमिलिटी थ्रेट लंबे समय से काम कर रहा हूं फैमिलिटी थ्रेट मेरा मेरा एंगेजमेंट पार्टनर मेरा गुरु आज कंपनी में जाकर बैठ गया है कैसे उसके अगेंस्ट जाओ में फैमिलिटी थ्रेट गाइज हर पॉइंट में आपको एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी रहे कि एग्जाम में केस आया तो छूटना नहीं चाहिए देन नेक्स्ट है इंटीमिडेशन थ्रेट इंटिमिडेशन थ्रेड गाइस लेट्स सी इंटिमिडेशन ग्र थ्रेड इन द सीक्वेंस ऑफ सीव्यूरिटी सबसे पहले ठीक है क्या क्या सिचुएशन बहुत जोरदार आपने आपके क्लाइंट से एक बहुत बड़ा गिफ्ट एक्सेप्ट किया आपने सोने की अंगूठी एक्सेप्ट की आपने कार एक्सेप्ट कर ली अब सामने वाला आपको ब्लैकमेल कर रहा है डरा रहा है सबके सामने तेरी धज्जिया उड़ा दूंगा सबके सामने बताऊंगा कि तूने कैसे हमसे गिफ्ट लिया ऐसा ब्लैकमेल कर रहा है ब्लैकमेल करना और पब्लिक में कैरेक्टर असेसिनेशन कर देना ब्लैकमेल करना कि भाई मैं तेरा पब्लिक में कैरेक्टर असेसिनेशन कर दूंगा तेरा नाम खराब कर दूंगा बहुत बड़ा थ्रेट है ये धमकी दे रहा है मेरे फेवर में रिपोर्ट दे नहीं तो तूने मुझसे एक्सपेंसिव गिफ्ट लिया था यह बात मैं सबको बता दूंगा पब्लिक डिस्क्लोज़र कर दूंगा धमकी दे रहा है इंटिमिडेशन थ्रेट मेरे फेवर में रिपोर्ट दे नहीं तो तेरे को निकाल दूंगा उसे थोड़ा छोटा थ्रेट डिसमिस कर दूंगा तेरे को डिसमिस कर दूंगा निकाल दूंगा रिमूवल कर दूंगा इंटिमिडेशन थ्रेट देखिए प्लान प्रमोशन विल ओनली मेटेज इफ दे कंसेंट टू एन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं मैं तेरे को और बड़ा काम दूंगा कंपनी में मैं तेरे को और बड़ा काम दूंगा देखो प्रैक्टिस कर रहे प्रैक्टिस सिर्फ ऑडिट नहीं होता स्टैच्यूटरी ऑडिट भी होता है इंटरनल ऑडिट भी होता है कंसल्टिंग का काम भी होता है मैं तेरा काम बढ़ा दूंगा तेरी फीस बढ़ा दूंगा तेरे को और आगे लेकर जाऊंगा और कंपनियों काम दूंगा तूने अगर मेरी बात नहीं मानी मैं सारे तेरे प्रमोशन सारे तेरे प्रमोशन खत्म कर दूंगा मैं तेरे को और काम नहीं दूंगा तेरी फीस को नहीं बढ़ाऊंगा प्रमोशन कॉन्टिजेंसी प्रमोशन नहीं करूंगा उसकी थ्रेड देना देखो जो साइड के हेडिंग्स है अगर आप लिखना आप इसको ये ही चीजें आपको याद रह जाएगी ये जो समरी के अंदर साइड हेडिंग्स है ये इसका सीक्रेट है ये इसका सीक्रेट है इसको याद रखना आसान है ठीक है एक्सपर्टीज प्रेशर सामने वाला सामने वाला स्कूल में आपका सीनियर था सीए में आपका सीनियर था पब्लिक में उसका बहुत बड़ा नाम है सामने वाला बहुत बड़ा एक्सपर्ट है उसने कई किताबें लिखी है उसने कई किताबें लिखी है बहुत नॉलेजेबल पर्सन है रिस्पेक्टेड पर्सन है वो बोल रहा है मेरे जैसे नॉलेजेबल पर्सन के अगेंस्ट जाना तेरी औकात है क्या मेरे अगेंस्ट जाने की तेरी औकात है क्या कौन मानेगा तेरे को सही है तू एन अकाउंटेंट फील्स ऑब्लिगेटेड टू कॉन कर मतलब एक्सेप्ट करना क्लाइंट जजमेंट बिकॉज द क्लाइंट है कभी कभी सामने वाला बहुत वेल well नोन होता है बहुत डिग्रीज है बहुत एक्सपीरियंस है उसके पास में। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, है उसके पास और वो उससे प्रेशराइज करता है उसको यूज करके प्रेशराइज करता है हमको दैट इज इंटिमिडेशन थ्रेट ब्लैकमेल कर रहा है पब्लिक डिस्क्लोजर दे दूंगा बहुत बड़ी बात होगी इंटिमिडेशन थ्रेट निकाल दूंगा इंटिमिडेशन थ्रेट तेरे को प्रमोट नहीं करूंगा तेरे को और काम नहीं दूंगा इंटिमिडेशन थ्रेट मेरे जैसे एक्सपर्ट मेरे जैसे इतने नॉलेजेबल इतने क्वालिफाइड इतने एक्सपीरियंस बंदा इतना अवॉर्डेड बंदा इतना रिस्पेक्टेड बंदा की बात नहीं मान रहा है बदनाम कर दूंगा तेरे को एक्सपर्टीज प्रेशर मेरी बात नहीं मान रहा बेवकूफ आदमी ऐसा प्रेशराइज करना वापस इंटिमिडेशन थ्रेट गाइज पांच तरफ मैं आपको बता रहा हूं एक एक पॉइंट एक एक केस बनता है ठीक है बस मेरे ऑडियो बार बार सुनते जाना सब याद हो जाएगा याद रखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर जितना आप बार बार ऑडियो सुनते जाएंगे आपके दिमाग में एप्सल्यूट क्लैरिटी बनते चले जाएगी बनते चले जाएगी बनते चले जाएगी ठीक है ओके लेट्स सी गाइस तो हम लोगों ने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड देख लिया असाइनमेंट के पहले के दो पॉइंट असाइनमेंट लेने का एक पॉइंट असाइनमेंट के बाद के साथ के दो पॉइंट सेल्फ रिव्यू थ्रेट हम लोगों ने देख लिया ठीक है इंप्लीमेंटेशन के बाद चेकिंग करना अकाउंटिंग के बाद ऑडिट करना हम लोगों ने एडवोकेसी थ्रेट देख लिया ठीक है पाल प्रमोशन एडवोकेसी और लॉबी करना फिर हम लोगों ने फैमिलिटी थ्रेट देख लिया ठीक है क्लोज रिलेशन है तो फैमिलिटी थ्रेट लंबे समय से काम कर रहे हैं तो फैमिलिटी थ्रेट करेक्ट और उसी में हम लोगों ने आखिरी पॉइंट देखा ठीक है लास्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा अगर हमारा ही बंदा आज बैठ गया है डायरेक्टर के पोस्ट पे फैमिलिटी थ्रेट और यहां पे एक सीक्वेंस हमने देखा वापस आपके इंटीमिडेशन है सारी की सारी चीजें आपके नए मॉड्यूल में है ये सारी की सारी चीजें आपके नए मॉड्यूल में है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज वापस एग्जाम्पल्स है वापस एग्जाम्पल्स है अगेन वी आर हैविंग एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑफ थ्रेट्स, वापस थ्रेट के एग्जाम्पल्स है लेकिन इस बार किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार सी एज इन सर्विस जो लोग जॉब कर रहे हैं जो चार्ट अकाउंटेंट्स जॉब कर रहे हैं उनको भी प्रेशराइज किया जाता है गलत काम के लिए प्रॉफिट्स को बढ़ा दे उनको प्रेशराइज किया जाता है रेवेन्यू बढ़ा दे प्रॉफिट बढ़ा दे ईपीएस बढ़ा दे रेशियोस को इंप्रूव कर दे मार्जिन इंप्रूव कर दे नहीं तो जॉब से निकाल देंगे जो लोग जॉब करते चार्ट अकाउंटेंट्स वो भी ये सिचुएशन में आ सकते कोड ऑफ एथिक्स प्रैक्टिस वालों को भी लगता है और कोड ऑफ एथिक्स जॉब करने वालों को भी लगता है इट इज एप्लीकेबल टू एवरी ध्यान देंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड की बात करता हूं मैं लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट वापस जो बंदा कंपनी में काम कर रहा है इमेजिन एक बंदा कंपनी में काम कर रहा है उसके पास कंपनी के हजारों लाखों करोड़ों रुपए के शेयर है कंपनी को थोड़ा भी नुकसान हुआ तो उसको नुकसान हो जाएगा खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के चक्कर में खुद का फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बंदा गलत रिपोर्टिंग दे सकता है तो अगर कोई चार्ट अकाउंटेंट है कोई चार्ट अकाउंटेंट कंपनी में जॉब कर रहा है कोई चार्ट अकाउंट कंपनी में जॉब कर रहा है और उसके बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स उसके पास में अगर है फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसके पास उसने शेयर्स में पैसा दे के रखा है उसने लोन गारंटी ठीक है पैसा ला के रखा हुआ है पैसा के रखा हुआ है लोन रखा हुआ है लोन के रखा है एकदम क्लोजली फाइनेंशियली इन्वॉल्व है अगर कोई बंदा फाइनेंशियली इन्वॉल्व है कंपनी के साथ तो खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गलत अकाउंटिंग कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत बातें बोल सकता है रेमुनरेशन उसका बोनस डिपेंडेंट है प्रॉफिट पे उसका बोनस डिपेंड है प्रॉफिट पे उसका कमीशन डिपेंड है प्रॉफिट पे, है पे, पे स्कीम्स स्कीम के ऊपर उसके बहुत सारे शेयर्स डिपेंडेंट हैं अपने रेमुनरेशन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बंदा गलत काम कर सकता है रेमुनरेशन ठीक है दैट अगेन सेल्फ खुद का इन्वेस्टमेंट्स बचाने के लिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट खुद की बो, के बोनस कमीशन इस बचाने के लिए रेमुनरेशन थ्रेट मोस्ट बेनिफिशियल सबसे ऊपर लिया फिर गिफ्ट उसको हर साल बड़े बड़े गिफ्ट मिलते रहते हैं उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है गिफ्ट मिलता है फॉरेन टूर ट्रिप मिलते हैं उसको बचाने के लिए गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम सप्लायर सप्लायर उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं सप्लायर खुद को गिफ्ट की आदत हो गई है घूमने फिरने की आदत हो गई है खुद के बेनिफिट के लिए गलत काम कर सकता है गलत अकाउंटिंग कर सकता है सप्लायर को डबल पेमेंट कर सकता है थर्टी फोर्टी परसेंट ज्यादा पेमेंट कर सकता है बिना सप्लायर गुड्स के पेमेंट कर सकता है खुद को गिफ्ट मिलते रहने चाहिए सेल्फ इंटरेस्ट रेट एसेट उसको कॉर्पोरेट एसेट उसको कॉर्पोरेट एसेट बहुत पसंद है उसको कंपनी उसको कंपनी के क्वार्टर्स बहुत पसंद है कंपनी जो फैसिलिटीज देती बहुत ज्यादा पसंद है वो फैसिलिटीज उसको हमेशा मिलती रहे कभी उसके हाथ से ना जाए इस चक्कर में वो इस लालच में वो गलत रिपोर्टिंग कर सकता है सेल्फ इंटरेस्ट रेट देखो चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट खुद के इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए वो गलत काम कर सकता है रेमुनरेशन को बचाने के लिए गलत काम कर सकता है उससे छोटा गिफ्ट को बचाने के लिए गलत काम कर सकता है पर्सनल यूज के लिए जो एसेट्स मिल रहे हैं इसके लिए वो गलत काम करे इन सब चीजों के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैन्युपुलेट कर सकते हम लोग क्या पढ़ रहे हैं व्हाट आर स्टडिंग वी आर स्टडिंग थ्रेट्स वी आर स्टडिंग थ्रेट्स एक चार्ट अकाउंटेंट जो जॉब में है एक चार्ट अकाउंटेंट जो जॉब में है उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं चार एग्जाम्पल है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के देखो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट प्रैक्टिस वालों के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे जॉब वालों के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल है प्रैक्टिस वालों के लिए भी थे और जॉब वालों के लिए भी है देन सेल्फ रिव्यू थ्रेट वापस एज मैं जॉब कर रहा हूं कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूं कंपनी में मैंने ही कंपनी को बोला था एमेलगमेशन कर डालो मैंने ही कंपनी को बोला था डी मर्जर कर डालो और ठीक है मैंने ही कंसल्टेंसी दी थी मैंने ही अब मुझे ही अपॉइंट कर रहे ये देखने के लिए कि एमगेशन किया तो बराबर किया ना डिमर्जर किया तो बराबर किया ना हमने परचेस ज्यादा प्राइस में तो नहीं किया ना मैंने ही वो प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया था और मुझे ही अपॉइंट कर दिया वो प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने में सेल्फ रिव्यू थ्रेट एडवोकेसी थ्रेट हम कंपनी के लिए प्रोस्प... हम कंपनी कंपनी का आईपीओ आ रहा है कंपनी का आईपीओ आ रहा है कंपनी का एफ पी आ रहा है कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टर्स बना रहे दीवाने हो गए कंपनी के लिए कंपनी ऐसी है कंपनी वैसी है यूएस से भी अच्छी है एलियन से मतलब अरे पूरी दुनिया में सबसे अच्छी कंपनी अच्छा बोलते बोलते हम झूठ बोलने लग गए हैं मिसलीडिंग बातें करने लग गए हैं गलत बातें करने लग गए हैं बातों को छुपाने लग गए हैं प्रोस्पेक्ट बनाते बनाते एक जॉब करने वाला चार्ट अकाउंट गलत काम कर सकता है एडवोकेसी थ्रेट ठीक है एडवोकेसी थ्रेट फैमिलियरिटी थ्रेट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ देयर एम्प्लॉयर एंड क्लोज और इमीजिएट फैमिली मेंबर हु ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस डिसीजन दैट अफेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी वाइफ कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है आपकी गर्लफ्रेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है वो रोज घर पे आपको याद दिलाती है अच्छा खाना चाहिए प्रॉफिट्स बढ़ाओ प्रॉफिट्स बढ़ाओ ठीक है ज्यादा अब नहीं बोल रहा हूं मैं हर चीज में प्रॉफिट क्लोज फैमिली मेंबर्स प्रेशराइज कर रहे हैं चार्ट अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करते वक्त प्रॉफिट्स को बढ़ाओ कॉम्प्रोमाइज करो इंटीग्रिटी से सच्चाई से आप लंबे समय से कंपनी में काम कर रहे हो लॉन्ग टेन्योर आपके मन में बहुत सिंपति है कंपनी के लिए बहुत ज्यादा सिंपति है कंपनी के लिए उस चक्कर में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो फैम्यूरिटी थ्रेट लॉन्ग टेन्योअर है फैम्यरिटी थ्रेट ठीक है नाउ इंटिमिडेशन थ्रेट तो देखो बहुत सिंपल सिंपल चीजें है बहुत आसान आसान चीजें है खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चार बातें हैं एक सीक्वेंस में मोस्ट बेनिफिशियल से लेके थ्रेट खुद ही इवेल्यूएट कर प्रोस्पेक्ट के पीछे एडवोकेसी थ्रेट फैमिलरिटी थ्रेट अपने ही क्लोज मेंबर अपने को प्रेशराइज रहे फैमिलरिटी थ्रेट लॉन्ग रिलेशन है

इंटीमिडेशन थ्रेट ठीक है इंटीमिडेशन थ्रेट इंफ्लुएंस अटेम्प्ट एंड इंडिव्यूल ट्राइज टू स्वेजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द अकाउंटेंट पर्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रेशराइज कर रहे चार अकाउंटेंट को कॉन्ट्रैक्ट इसको ही मिलना चाहिए कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इसको ही मिलना चाहिए प्लांट यही बनेगा वेंडर यही बनेगा अकाउंटिंग पॉलिसी वही रहेगी जिसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है प्रेशराइज कर रहे तेरे को हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा नहीं तो को बहुत परेशानी करेंगे डिसीजन मेकिंग हमारे हिसाब से काम जीना मुश्किल कर देंगे इंटिमिडेशन थ्रेट निकाल देंगे तेरे को तेरे रिश्तेदारों को डिसमिसल थ्रेट इन्फ्लुएंस करना बहुत प्रेशराइज कर, हमारे हिसाब से काम कर हमारे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दे हमारे हिसाब से एम्प्लॉय जॉब दे लोगों को हमारे हिसाब से अकाउंटिंग कर प्रेशराइज करना उसको ये सिचुएशन को बोलते हैं तुम डरा रहे धमका रहे हो मेरे को प्रेशराइज करना भी भले ही तुमने निकालने का नहीं बोला लेकिन बार बार बोलना डराना धमकाना इंटिमिडेशन थ्रेट गाइस अब ये अदर थ्रेड्स सर अदर थ्रेड्स क्या सर इतनी सारी थ्रेड्स हो गई इतनी सारी थ्रेड्स हो गई सर ये अदर थ्रेड्स क्या है सर व्हाट इज दिस अदर थ्रेड्स नाउ व्हाट इज दिस अदर थ्रेड्स ये अदर थ्रेड्स क्या है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये जो हमने पांच ये जो पांच थ्रेट पढ़े ना साफी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट सेल्फ रिव्यू थ्रेट एडवोकेसी थ्रेट फैमिलिटी थ्रेट इंपिडेशन थ्रेट ये बहुत पॉपुलर थ्रेट्स है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थ्रेट्स है लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या कि ये सिर्फ पांच ही थ्रेट और भी थ्रेट्स हो सकते हैं और भी यूनिक सरकम स्टांसेस हो सकते हैं और भी यूनिक सिचुएशन हो सकती है ठीक है किसी ने आपके इंटीमेट फोटोज निकाल लिए किसी ने आपके इंटीमेट फोटोज निकाल लिए ये फोटोज हम पब्लिक कर देंगे हमारे हिसाब से काम करो वो भी एक थ्रेट है वो भी एक थ्रेट है इनका कहना है ठीक है आपको वो भी एक थ्रेट है देखो ऐसी और भी थ्रेट्स हो सकती है जो पांच थ्रेड्स में कवर नहीं होती पर्सनल ब्लैकमेलिंग वो भी एक थ्रेट है ठीक है आप आपने कंपनी का काम किया पांच एजीएम और पांच एजीएम दस साल तक आपने काम किया आपको रोटेशन लग गया अब आप कॉम्प्यूटर के पास काम कर रहे हो वो बार बार तुमको बोलता है ए बताना वहां पे क्या था ए बताना वहां पे क्या था कॉम्प्यूटर आपको प्रेशराइज कर रहा है दे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ये भी एक थ्रेट है ये अदर थ्रेट्स में जाएगा ठीक है पर्सनल ब्लैकमेलिंग आपको हनी ट्रैप समझता है ना हनी ट्रैप आपने सुना होगा वेब सीरीज वगैरह कहीं सुना होगा आजकल सुंदर सी कन्या को भेजते हैं ठीक है ठीके? बंदे को फंसाने के लिए और फिर बंदे के सारे आड़े तेड़े गलत पिक्चर्स ले लेते हैं और फिर उसको प्रेशराइज करते हैं इन्फॉर्मेशन दे नहीं तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं तो इसको पब्लिक कर देंगे ब्लैकमेलिंग कॉम्प्यूटर इंफॉर्मेशन निकालना चाहते ये भी थ्रेट है बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है मेरे इतने अवार्ड है मेरे इतने टॉप के क्लाइंट्स है क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहा है उसके हाथ से गलती हो सकती है ये भी एक थ्रेट है गवर्नमेंट का प्रेशर है ये बिजनेस ग्रुप का कुछ नहीं होना चाहिए अदानी का कुछ नहीं होना चाहिए ये भी एक थ्रेट है अदर थ्रेट है गाइज लेट्स फ्रीज बड़ा प्यारा डिस्कशन था बहुत ही अमेजिंग डिस्कशन था ये करेक्ट हम लोग बैकग्राउंड देख चुके पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हम लोग देख चुके हम लोग पांच थ्रेड्स को देख चुके पांच थ्रेड्स को देख कर चुके हम लोग प्रैक्टिस वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से पांच थ्रेड्स को हम लोग देख चुके एक जो चार्ट अकाउंटेंट जॉब करता है उसको भी हम लोग देख चुके और ये पांच थ्रेड के अलावा और भी थ्रेड्स हो सकते हैं इसको हम लोग अदर थ्रेड्स बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज अदर थ्रेड्स ठीक है ओके नाउ गाइस लेट्स सी इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेड्स अब ये सिचुएशन तो आ गई लेकिन ये सिचुएशन आ गई तो क्या आपने क्लाइंट को छोड़ देना चाहिए क्या आपने जॉब को छोड़ देना चाहिए अगर थ्रेट्स आ गए तो क्या आप क्लाइंट को प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे आप जॉब करना छोड़ देंगे एक्सीडेंट होते रहते तो गाड़ी चलाना छोड़ देंगे ऐसा नहीं होगा थ्रेट्स आएंगे ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है थ्रेट्स आएंगे अब थ्रेट्स को समझना होगा थ्रेट्स को असेस करना होगा कि थ्रेट कितना ज्यादा खतरनाक है कितना ज्यादा हार्मफुल है कितना ज्यादा सीरियस है वो समझना पड़ेगा गाइस नो लिसन सबसे पहले असेस करना पड़ेगा कि थ्रेट्स कितने ज्यादा डेंजरस है कितने ज्यादा हार्मफुल है कितने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है अब सुनिए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स एट फॉर्म और एम्प्लॉयर कैन इन्फ्लुएंस द असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस थ्रेट लेवल विथ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ध्यान दीजिए मैं एक वर्ड को कंडीशंस एक प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट एक प्रैक्ट एक प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट या फिर एक जॉब करने वाला सीए किस कंडीशंस में काम कर रहा है वहां पे पॉलिसीज प्रोसीजर्स कैसी है इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है थ्रेट वाले सिचुएशन में एग्जाम्पल दे रहा हूं अगर एक कंपनी है ठीक है जहां पे दिन रात समझाया जाता है सच्चाई हमारा धर्म है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बार बार याद दिलाया जाता है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करे उसको रिवॉर्ड किया जाता है उसकी तारीफें की जाती है नहीं करे उसको पनिश किया जाता है समझाया जाता है ट्रेन किया जाता है रिवॉर्ड किया जाता है पनिश किया जाता है जितना अच्छा एनवायरमेंट होगा उतना थ्रेट का इंपैक्ट कम होता है जितना अच्छा एनवायरमेंट होगा उतना थ्रेट का इंपैक्ट कम होता है जितना बेकार बर्बाद एनवायरमेंट होगा थ्रेट का इंपैक्ट ज्यादा होता है हमको थ्रेट्स को असेस करना पड़ेगा उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है वो असेस करना पड़ेगा और इस असेसमेंट में कंडीशन एनवायरमेंट पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एट द सी एफ एट द कंपनी वेर इज डूइंग जॉब प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल उसका बहुत क्रूशियल रोल होता है एक्सट्रीमली क्रूशियल रोल अब आगे क्या बोलते हैं थ्रेट्स हो तो कैसे हो एक्सेप्टेबल हो थ्रेट्स एक्सेप्टेबल होने चाहिए एक्सेप्टेबल लेवल के होने चाहिए अब कैसे समझेंगे हम एक्सेप्टेबल है कि नहीं सुनो लेसन बहुत 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 ही सिंपल है ठीक है सपोज आपको ये टेस्ट करना है कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड डोमिनेटिंग है क्या आपकी गर्लफ्रेंड डोमिनेटिंग है क्या आपने इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो आपकी गर्लफ्रेंड का जो भी बिहेवियर है वो नोट करो और कोई जानकार आदमी नॉलेजेबल बंदा एक्सपीरियंस बंदा जो है उसको जाकर बताओ वो अगर बोले कि नहीं यार ये तो सब छोटी मोटी बातें ऐसा तो चलता ही रहता है तो फिर आप बोलोगे गर्लफ्रेंड का बिहेवियर एक्सेप्टेबल लेवल का है और अगर वो थर्ड पार्टी बोलती है कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो बहुत ही बुरा ऐसा थोड़ी होता है कोई गर्लफ्रेंड तुमको इतना डोमिनेट थोड़ी कर सकती है तो बहुत बुरा है मतलब ये थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल नहीं है इन्होंने बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट डेवलप किया है इन्होंने बोला है कोई भी थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल की है कि नहीं आपको अगर तय करना है तो आप रीजनेबल एंड इनफॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट करो एक्सेप्टेबल्टेबल लेवल इज वन वेर प्रोफेशनल अकाउंटेंट यूजिंग रीजनेबल एंड इनफॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट वुड लाइक टू कंक्लूड कंप्लायस विद प्रिंसिपल हम उस थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल का बोलेंगे अगर अगर रीजनेबल एंड इनफॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट आर टी पी आर आई टी पी टी आर आई टी पी टी रीजनेबल एंड इनफॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट आर आई टी पी टी रीजनेबल एंड इनफ़ॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट आर आई टी पी टी देखो बहुत सिंपल कोई भी थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल का मानेंगे अगर रीजनेबल एंड इनफॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट के हिसाब से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का कंप्लायंस हो रहा है कोई चिंता की बात नहीं है अब हम बोलेंगे कि यार ये आर आई टी पी टी है क्या आर आई टी पी टी है क्या दिस टेस्ट इनफॉल्स अकाउंटेंट कंसिडरिंग इफ अनादर पार्टी वुड लाइकली रीच द सेम कंक्लूजन इसके अंदर ठीक है दिस टेस्ट इज कंडेड फ्रॉम दू पॉइंट ऑफ रीजनर इन फॉर्म थर्ड पार्टी कंसिडरिंग ऑल नोन एंड रीजनेबली एक्सपेक्टेड फैक्ट एंड सर्कम्स एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन एकदम सिंपल सा टेस्ट है चार्ड अकाउंटेंट किसी थर्ड पार्टी के पास जा भी सकता है या फिर सिंपल अपने कैबिन में बैठ के सोच सकता है कि अगर मैं ये पूरी इंफॉर्मेशन और सरकमस्टांसेस किसी थर्ड पार्टी को दू तो वो थर्ड पार्टी जो कि नॉलेजेबल है जो कि एक्सपीरियंस्ड है नॉलेजेबल है जिसको पूरी जानकारी मैं दे दू अगर क्या वो मेरे जैसे वही कंक्लूजन बनाएगा जो कंक्लूजन मैं बना रहा हूं तो फिर तो फिर हम बोलेंगे कि हमारा असेसमेंट थ्रेट का एकदम सही है एक नॉलेजेबल और इंफॉर्म्ड थर्ड पार्टी क्या ऐसा ही सोचेगा ये हम कंसिडर करते हैं करेक्ट अगर मैं उसको बताऊंगा भैया को बताऊंगा तो भैया क्या सोचेंगे जैसे कुछ लोग धोनी टेस्ट करते हैं धोनी टेस्ट अगर धोनी के सामने सिचुएशन होगी तो धोनी क्या करेगा तो उसको धोनी टेस्ट बोल दिया थर्ड पार्टी के सामने तो थर्ड पार्टी क्या करेगा उसको टेस्ट हम ने बोल दिया। थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी अकाउंटेंट हिमसेल्फ कैन अप्लाई अकाउंटेंट खुद ये इमेजिनेशन करके लगा सकता है और ये हिमसेल्फ खुद भी कर सकता है और गो टू थर्ड पार्टी ओपिनियन थर्ड पार्टी निडनॉट बी अकाउंटेंट सामने वाला चार्ट अकाउंटेंट जरूरी नहीं है वो एक बिजनेसमैन हो सकता है वो एक लॉयर हो सकता है वो एक स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है कोई भी रीजनेबल नॉलेजेबल व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है इस सरकम साइंस सिचुएशन का पूरा नॉलेज होगा ठीक है पर्सन कैन बी अजनेसमैन पर्सन कैन बी अ लॉयर पर्सन कैन बी अंपनी सेक्रेटरी पर्सन कैन बी एनी नॉलेजेबल पर्सन हैविंग रेलिवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू इमार्शलीवैलुएट दिएउंटेंट कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं उसको केस स्टडी आएगी आप क्या बताएंगे आप बताएंगे जब भी हमको थ्रेड मिलते हैं उसको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है थ्रेड का इंपैक्ट कैसे होगा इट ऑल डिपेंड्स मेजरली ऑन What is the atmosphere and environment of the office of the firm where child account is working? Then he should say acceptable. Threats will be considered of acceptable level if, as per RITPT test, we are complying with fund fundamental principles. What is RITPT test? In RITPT test, we think from the point of view of third party.

सिर्फ अकाउंटेंट हो बिल्कुल जरूरी नहीं है नॉट नेसेसरी एट ऑल आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट आ रही है ये चार बातें आपको समझानी पड़ेगी नाउ एड्रेसिंग थ्रेट अगर आपको पता चला कि थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल का नहीं है आपने थर्ड पार्टी टेस्ट लगाया थर्ड पार्टी ने बोला नहीं ये थ्रेट बहुत ज्यादा है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास में कंपनी के बहुत सारे शेयर्स है तुम कॉम्प्रोमाइज कर दोगे तुम्हारा कंपनी के साथ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है तुम कॉम्प्रोमाइज कर दोगे तुम्हारे कंपनी कम, के सिस्टम्स तुमने ही बनाए हैं तुम नहीं कर पाओगे इसको बराबर चेक सेल्फ रिव्यू थ्रेट है तुम कॉम्प्रोमाइज कर दोगे अगर थ्रेट्स बहुत बड़े हैं बहुत गहरे थ्रेट्स है बहुत बड़े थ्रेट्स है इफ थ्रेट्स ऑफ अनएक्सेप्टेबल इट मस्ट बी एड्रेस्ड बाय प्रोफेशनल तो या तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा या तो उसको ये थ्रेट को खत्म करना पड़ेगा या तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा या तो थ्रेट को एलिमिनेट करना पड़ेगा या तो थ्रेट को रिड्यूस करना पड़ेगा आइडर एलिमिनेट द थ्रेट और रिड्यूस द थ्रेट या तो एलिमिनेट करो या तो रिड्यूस करो थ्रेट को लेट्स अंडरस्टैंड गाइस, बहुत सिंपल है आइदर एलिमिनेटेड और रिड्यूस इट एलिमिनेट मतलब क्या बहुत सिंपल शेयर्स बिकवा दो कंपनी के शेयर्स है बिकवा दो ठीक है बिकवा दो भैया शेयर्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट खत्म हो जाएगा बिजनेस रिलेशनशिप है शेयर्स बिकवा दो लिव इट शेयर्स बिकवा दो ठीक है एलिमिनेट कर दिया ना पूरा का पूरा थ्रेट एलिमिनेट कर दिया कंप्लीट एलिमिनेशन पार्टनर का रिलेटिव पार्टनर का रिलेटिव कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है पार्टनर चेंज कर दो फर्म के तरफ से पार्टनर चेंज कर दो एलिमिनेट द थ्रेट शेयर्स बिकवा दो एलिमिनेट द थ्रेट पार्टनर को आपने चेंज करवा दिया एलिमिनेट द थ्रेट थ्रेट खत्म करो पूरी तरीके से जड़ से आपने पूरी थ्रेटी खत्म कर दी एलिमिनेट द थ्रेट आप कंपनी का आईपीओ संभाल रहे हो ऑडिट भी कर रहे हो आईपीओ काम छोड़ दो आईपीओ काम छोड़ दो एडवोकेसी थ्रेड छोड़ दो आईपीओ काम एलिमेंट कुछ कुछ थ्रेड ऐसे होते हैं जिनको एलिमिनेट कर सकते हैं हर थ्रेड को एलिमिनेट कर सकते ऐसा नहीं अगर थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल का नहीं है तो पहला रिस्पांस आपने सोचना चाहिए हो सकता है आप एलिमिनेट कर दो यू एलिमिनेट इट अगर एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है तो आप उसको सेफगार्ड कर सकते हो यू कैन सेफगार्ड इट ठीक सेफ गार्ड करना मतलब आप थ्रेट की लेवल को रिड्यूस कर सकते हो यू कैन रिड्यूस या तो आप एलिमिनेट कर सकते हो या आप कुछ सेफ मतलब ऐसे स्टेप्स जिससे थ्रेट कम होता है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो एक्सेप्टेबल लेवल पे ला सकते हो कैसे आपको लग रहा है गलती हो सकती है दो बार रिव्यू कर दो बार रिव्यू कर दो सीनियर बंदे का रिव्यू कर दो ताकि आपके बंदे के हाथ से गलती ना हो दो बार रिव्यू करवाना सेफ गार्ड है रिड्यूसिंग थ्रेट, एक हफ्ता मिलता है ऑडिट करने को दो हफ्ता अच्छे से करो रिड्यूसिंग द थ्रेट, दो ऑप्शन है या तो एलिमिनेट कर दो या रिड्यूस कर दो इन सम केसेस कुछ केसेस में ना हम चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं ना रिड्यूस कर सकते हैं कुछ नहीं डिक्लाइन

आपको हर सरकमदान सिचुएशन जाना पड़ेगा कितना बड़ा थ्रेट है कितना बड़ा थ्रेट है आपको देखना पड़ेगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एलिमिनेट करने के आप पहले पूरी कोशिश करोगे एलिमिनेट करने की लेकिन बहुत हेवी कॉन्सेस है तो आप फिर रिड्यूस करने की कोशिश करोगे और आप देख रहे हो दोनों पॉसिबल नहीं है तो फिर आप छोड़ने के बारे में बोलोगे तीन रिस्पॉन्स वी एड्रेस इट आई वी एलिमिनेट इट और वी रिड्यूस इट टू द एक्सेप्टेबल लेवल और वी डिक्लाइन इट थ्री अप्रोचेस ये तीन अप्रोचेस है डील करने के अप्रोप्रिय एक्शन लेना पड़ेगा हमको सेव गार्ड गाइज ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के थियरी का आखिरी पार्टी थे थेरी का मतलब इसके बाद में जो डिस्कशन होता है इसके बाद में जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा वो डिस्कशन इज नॉट कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल उसमें लॉ इन्वॉल्व होता है उसमें सीए एक्ट इन्वॉल्व होता है ठीक है ना ट्रैप यहां पर सेफ गार्ड ट्रैप करो थ्रेट्स को ट्रैप करो थ्रेट्स को ट्रैप करो, करो, करो थ्रेट्स को लेट्स ट्रैप द थ्रेट्स टी फॉर सेपरेट टीम्स अगर आप क्लाइंट के मल्टीपल काम कर रहे हो ठीक है नहीं, उसमें भी माउंट मटिव अगर आपको लगता है कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल एरिया है इनका एक आर आरएनडी वाला बहुत कॉन्फिडेंशियल एरिया है, R &D. R &D वाला बहुत है इनका, और वो इंफॉर्मेशन किसी को मिल गई तो बहुत मिस यूज हो सकता है आर एन डी के लिए सेपरेट टीम कर दो पूरे बाकी असाइनमेंट के लिए सेपरेट टीम कर दो जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है कॉन्फिडेंशियल एरिया है ठीक है उसके लिए आप सेपरेट टीम रख सकते हो और बाकी सेपरेट टीम रख सकते हो ऐसा करने से थ्रेट कम हो जाएगी ट्रैप रिसोर्सिंग एडिशनल लोगों को लगा दो एडिशनल टाइम लगा दो इंडेप जा जाके चेकिंग करो इंडेप जा जाके चेकिंग करो ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए थ्रेट्स कम हो जाएंगे ठीक है आर सेंड फॉर रिव्यू having appropriate reviewer not a part of team review the work or provide advice to address ऐसे बंदे से review करवाओ reviewer not part of the team बाहर के बंदे से review कराओ अपना काम किसी से चेक करवाओ रिव्यू करवाओ वो भी बाहर के बंदे से कराओ हम पढ़ते हैं इसको एसक्यूसी में ऐसे में यार एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एक नॉन टीम मेंबर से रिव्यू करवाओ चीजों को रिव्यूड फ्रॉम द नॉन टीम मेंबर्स, ठीक है दैट विल बी रिव्यू करवाना वो भी एक तरीका है वो भी एक तरीका है थ्रेड्स को कम करने का ठीक है पार्टनर्स ऑफ नॉन अश्योरेंस सर्विसेज, सुनो अगर फॉर्म मल्टीपल काम कर रही है फॉर्म ऑडिट भी कर रही है टैक्स भी कर रही है दो अलग अलग पार्टनर को दो और बिग फोर में तो ऐसा ही होता है जनरली ठीक है ऑडिट का काम अलग पार्टनर से कराओ पूरी टीम ही अलग है और टैक्स का काम अलग पार्टनर से कराओ टीम ही अलग है यू कैन हैव फॉर डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज यू कैन हैव डिफरेंट पार्टनर्स एंड टीम्स अलग अलग सेट ऑफ सर्विसेज के लिए अलग अलग पार्टनर्स और टीम हो ताकि एक में को इन्फ्लुएंस ना करे एक में को इन्फ्लुएंस ना करे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए एडवोकेसी थ्रेट ना हो जाए एक टीम सेवी में केस लड़ रही है कंपनी के लिए एक टीम ऑडिट कर रही है सेपरेट पार्टनर सेपरेट टीम सेपरेट अप्रोच तो अपने आप कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं करेगा ठीक है एडवोकेसी थ्रेड कम हो जाएगी ये बहुत सारे थ्रेड्स के नाम देके रखे हुए वो मत याद करो इतना याद है वही बहुत है अनादर फर्म आपने काम चेक किया ना किसी और फर्म को अपॉइंट करो कुछ काम परफॉर्म या रीपरफॉर्म पार्ट ऑफ द बाय एंगेजमेंटर फॉर्म देखो ट्रैप टीम अलग कर दो सेफ गार्ड है ये रिसोर्सिंग लोगों को टाइम भर दो सेफ गार्ड है ये रिव्यू करवा लो अच्छे लोगों सेफ गार्ड है ये अनादर फॉर्म को लेके आ जाओ परफॉर्म या री करने के लिए सेफ गार्ड है ये अलग अलग लाइन ऑफ सर्विस के लिए अलग अलग पार्टनर्स और अलग अलग टीम कर दो अलग अलग पार्टनर्स और अलग अलग टीम कर दो सेफ है ये ट्रैप करो थ्रेट्स को शॉर्टकट है ट्रैप करो थ्रेट्स को okay, guys, बहुत ही मजेदार मजेदार आई गाइज गाइज आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड इज अ थ्योरी और इसके अंदर आई अंडरस्टैंड थ्योरी और थ्योरी में होता है तो थेरी में uh, लिखना नहीं होता है। थेरी में लिखना नहीं होता और क्योंकि थेरी के अंदर लिखना नहीं होता हम थोड़ा एक्टिव कम रहते आप लोग स्क्रिबल कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूं देखिए मैं जानबूझ के बहुत सारा नहीं लिख रहा अगर मैं बहुत सारा लिखने लगूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं बहुत सारा लिखने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाऊंगा मैं आपको अशोर कर रहा हूं बच्चों एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा मैं एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा हर कोना कापरा हर चीज में कवर करूंगा ठीक है कोई भी पूरे इंडस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा सब लोगों से एक कदम आगे रहूंगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो टाइम है वो टाइम कम से कम लगे क्योंकि आज के डेट में टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टाइम बहुत करेक्ट आप क्लासेस क्यों ले रहे हो ताकि कम समय में आप ज्यादा चीजें कवर कर पाओ आप ज्यादा चीजें कवर कर पाओ आपको एक सिंप्लीफाइड अप्रोच मिल जाए आपको एक तरीका मिल जाए आपको एक डायरेक्शन मिल जाए और उसमें आप धुआधार बैटिंग करो करेक्ट ओके गाइस लेट्स सी ठीक है नो क्लार नो क्लार नो क्लार नो क्लार ये आपने नाम सुना होगा ठीक है बहुत सिंपल सर ये आपने नाम सुना होगा लिसन जब चार्ट अकाउंट प्रैक्टिस करता है प्रैक्टिस करता है या फिर चार्ट अकाउंट जॉब करता है प्रैक्टिस जॉब करते वक्त वो ऐसा उसको देखने को मिलता है किसी ने उसके सामने लॉ तोड़ा किसी ने उसके सामने टैक्स का इवेजन किया किसी ने उसके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया किसी ने उसके सामने रॉन्ग रिपोर्टिंग किया गवर्नमेंट को किसी ने उसके सामने एनवायरमेंटल लॉ को तोड़ा है चार्ट अकाउंटेंट के सामने नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन होता रहता है ऐसे वक्त चार्ट अकाउंटेंट ने क्या करना चाहिए क्या कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्फ़िडेंशियलिटी की चद्दर ओढ़कर बैठ जाना चाहिए किसी को नहीं बताना ऐसा हुआ था यही हमारी ड्यूटी है सोसाइटी की तरफ यही हमारी ड्यूटी है पब्लिक के तरफ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता यही करना है सिर्फ हमको तो बोले नहीं गलत है ये कॉन्फिडेंशियलिटी के आड़ में छुपना और कोई भी स्टेप नहीं लेना कोई भी एक्शन नहीं लेना बहुत गलत है तुम्हारे सामने अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है लॉ को तोड़ा जा रहा है खून खराबा हो रहा है और तुम चुप बैठोगे तो ऐसा कैसे होगा ऐसा कैसे चलेगा भाई हाउ इट विल हैपन इसीलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया नोकलार का कि जब चार्ट अकाउंटेंट के सामने लॉ को तोड़ा जाए तो उसको पता होना चाहिए कि सिर्फ चुप नहीं बैठना है सिर्फ साइलेंट नहीं बैठना है कुछ स्टेप्स लेने हैं कुछ एक्शन लेने हैं ताकि पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए और लोगों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़े ऐसा कुछ करना होगा इसी थॉट प्रोसेस को ध्यान में रख के नोक्लार को बनाया गया है ठीक है लेट्स सी ध्यान दीजिए व्हाट इज नॉन कंप्लायंस जब कंपनी के लोग जब कंपनी के लोग ठीक है कोई एक्शन करते हैं या फिर इनएक्शन करते हैं इंटेंशनली और इंटेंशनली विच इज अगेंस्ट द लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन

नॉन कंप्लायंस है फैक्ट्री लगाने के बाद रिपोर्टिंग नहीं की डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को नॉन कंप्लायंस है टाइम पे चार्जेस नहीं भरे नॉन कंप्लायंस है बहुत सिंपल है तो कंपनी के लोग करते हैं नहीं करते हैं इंटेंशनली अनशनली करंट लॉ के हिसाब से नॉन कंप्लायंस है ठीक है लिसन अपना प्रोफेशनल एक्टिविटी करते वक्त ही में कम अक्रॉस नॉन कंप्लाइंस तब उसने सिर्फ चुप नहीं बैठना चाहिए उसने अवॉइड नहीं करना चाहिए उसने सिचुएशन को समझना चाहिए उसके डेलिकेटनेस को समझना चाहिए सिचुएशन क्या है कॉन्फिडेंशलिटी क्या बोलता है और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए कंपनी को बचाना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट को बचाना चाहिए रिस्पॉन्ड मुर्दे जैसे पड़े मत रहो कुछ करो रिस्पॉन्ड इफ यू कम अक्रॉस नॉन कंप्लायंस कौन कौन लोग इसमें कवर्ड है किस किस का नॉन कंप्लायंस कवर्ड है देखो बहुत सिंपल है अगर बंदा फर्म में है फर्म में है सीए फर्म में काम कर रहा है तो फर्म का नॉन कंप्लायंस कवर्ड है फर्म के टी जी होंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो सिर्फ सुपरविजन के लिए आते हैं उनसे छोटा फर्म का मैनेजमेंट होगा फर्म का एम्प्लॉय होगा फर्म फर्म का टीसीडब्ल्यूजी, फर्म जी का मैनेजमेंट फर्म का एम्प्लॉय देखो चार लोग कवर किए मैंने फर्म फर्म का टीसीडब्ल्यू जी फर्म का मैनेजमेंट फर्म का एम्प्लॉय अगर यह चार लोगों में से किसी के हाथ में नॉन प्रोफेशनल काम करते वक्त नॉन कंप्लायंस होता है तो नोकलार लग जाएगा फिर अगर कोई चार्ट अकाउंटेंट जॉब कर रहा है अगर कोई चार्ट अकाउंटेंट जॉब कर रहा है ज डूइंग जॉब और अब उसका जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर कंपनी एम्प्लॉयर ठीक है वो या उसके टीसीडब्ल्यू जी या उसका मैनेजमेंट या उसका एम्प्लॉय वहां पर भी चार लोग हैं फॉर्म और उसके तीन लोग कंपनी और उसके तीन लोग ऐसे हो गए चार लोग चार प्लस चार आठ ये आठ लोग अगर लॉ को तोड़ते हैं तो चार अकाउंट में चुप नहीं बैठना चाहिए उसने कुछ तो स्टेप लेना चाहिए लेकिन ध्यान दो इसमें एग्जाम में केस आएगा एग्जाम में केस आएगा कस्टमर लॉ तोड़ रहा है नोकलर लगेगा क्या नहीं वेंडर लॉ तोड़ रहा है नोकलर लगेगा क्या नहीं पुलिस वाले लॉ तोड़ रहे हैं नोकलार लगेगा क्या नहीं ये चार लोग फॉर्म वाले और चार लोग कंपनी वाले बस ये लोग जब लॉ तोड़ेंगे तब ये नोकलार लगता है बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स के बुक में एक जगह है जहां पे नोकलार की बात की है और गाइड किया चार्ट अकाउंटेंट्स को कि ये ट्रिकी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना कैसे मैनेज करना दैट इज नोकलार ठीक है पर्सनल मिसकंडक्ट अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है पर्सनल कामों में कोई लॉ का नॉन कंप्लायंस कर रहा है ड्रिंक एंड ड्राइव करना पर्सनल कामों में नॉन कंप्लायंस, पर्सनल नॉन नोक्लार में कवर नहीं होते कोई ड्रग्स ले रहा है नार्कोटिक एक्ट को तोड़ रहा है नॉन कंप्लायंस में कवर नहीं होते इट इज नॉट कवर्ड इन नॉन कंप्लायंस, द रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स नॉट एड्रेस पर्सनल मिसकंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज नॉर नॉन कंप्लायंस पार्टी नॉट स्पेसिफिकली डेफिनेशन तो ध्यान दो बहुत सिंपल नॉन कंप्लायंस अगर होता है बाय परपेट्रेटर्स आठ लोग तो नोकला लगता है बाकी लोग लगाते हैं तो नौकर नहीं लगता और पर्सनल कैपेसिटी में पर्सनल काम करते हो कुछ गलत काम हो उसको भी नोकला नहीं लगता तो आपको नॉन कंप्लायंस का मतलब बताना चाहिए आपकी जिम्मेदारी है रिस्पॉन्ड करे वो आपने बताना चाहिए परपेट्रेटर में आठ ही लोग इन्वॉल्व है और पर्सनल मिसकंडक्ट नहीं आता एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट परपेट्रेटर्स को लेकर गेम बच सकता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस ठीक है ये अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके कौन से कौन से लॉज नोकलार में जनरली टूटते हुए मिलते हैं सी ए सी ए में और कंपनीज में कौन से कौन से लॉज जनरली टूटते हुए मिलते हैं कौन से कौन से लॉज जनरली टूटते हुए मिलते हैं उसके एग्जाम्पल दे रहे हैं ठीक है एस बी आई अंडर एफ एम डिपार्टमेंट एस बी आई अंडर एफ एम डिपार्टमेंट शॉर्टकट है यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूं लेकिन शॉर्टकट बन गया, गया। ठीक है आपको जनरली सिक्योरिटी आपको प्रैक्टिस करते वक्त जॉब करते का आपको देखा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके सिक्योरिटीज लॉ सिक्योरिटीज मार्केट और ट्रेडिंग लॉ ये आपको टूटते मिलेगा बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस आप दे रहे हो वो आरबीआई के हिसाब से नहीं है उसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है झूठी बातें मिसलीडिंग बातें बोली जा रही है ऐसा आपको देखने को मिलेगा ठीक तो है एस बी आई आए तो छोटा है देन एस बी आई इज अंडर एफ एम डिपार्टमेंट आप देख रहे हो फ्रॉड करप्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को करप ब्राइब दी जा रही है ठीक है अगेन नॉन कंप्लायंस नॉन मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं टैक्स की चोरी कर रहे हैं ठीक है थीके? ये भी नोकल no, ये इस तरह की चीजें भी मिल सकती है आपको नोकलार में डेटा लीक हो रहा है बहुत सारे क्लाइंट का डेटा लीक हो रहा है नोक्लार के अंदर कवर होगी चीजें एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे है ठीक है नोकलार में कवर होगी पब्लिक हेल्थ के साथ खेल रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स नेस्ले मैगी ठीक है नोक्लार में कवर होगा टैक्स कम भर रहे हैं में कवर होगा एसबीआई सिक्योरिटीज मार्केट तोड़ रहे हो बैंकिंग और फाइनेंस तोड़ रहे हो फ्रॉड ब्राइबरी दिख रहा है मनी लॉन्ड्रिंग दिख रहा है डिपार्टमेंट डेटा प्रोटेक्शन टूट रहा है एनवायरमेंट टूट रहा है पब्लिक टूट रहा है टैक्स टूट रहा है ऐसी चीजें ऐसी चीजें आपको जनरली देखने को मिलेगी यू विल फाइंड सच थिंग्स यू विल फाइंड सच थिंग्स इन नोकलर ऑब्जेक्टिव क्या नोकलर का प्लीज ये पढ़कर है हम लोग बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव नोकलार का मतलब बताइए और बताइए नोकलार का एक ही ऑब्जेक्टिव है जब नॉन कंप्लायंस की सिचुएशन चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने आती है तो उन्होंने कॉन्फिडेंशियल का ब्लैंकेट ओढ़ करके खुद खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए छुप नहीं जाना चाहिए उन्होंने सामने आकर सिचुएशन का डट के मुकाबला करना चाहिए और कुछ एक्शन लेने चाहिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए प्रोफेशनल अकाउंट नॉट इग्नोर इन्होंने सिचुएशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए सस्पेक्टेड और एक्चुअल नॉन कंप्लायंस की सिचुएशन को आप नजरअंदाज मत करो प्लीज डोंट इग्नोर इट प्लीज उसको इग्नोर मत करो यार इतनी बड़ी बात है इतने सारे लोगों पे इंपैक्ट है प्लीज डोंट इग्नोर इट अवेयर करना लोगों को ठीक है अवेयरनेस कि देखो ऐसे ऐसे नॉन कंप्लायसेस अगर आएंगे तो ऐसे डील करना हाउ टू डील करना एक तो पहला मैसेज है प्लीज ऐसे सिचुएशन को इग्नोर मत करिए और अवेयरनेस व्हाट टू डू नोकलार हम के प्रिंसिपल्स हमको बताते कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए हाउ टू रिएक्ट हाउ टू रिएक्ट व्हाट टू डू और इसमें एक चीज बता रहे जो भी लॉ है उसका कंप्लायंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीसीड्ल्यू एंड मैनेजमेंट उसका कंप्लायंस उनकी जिम्मेदारी है पूरा लीगल डिपार्टमेंट आप सेट अप करोगे। गलती होने से रोकोगे। गलती तो आपको पकड़नी है आपको करेक्ट करनी है ये पूरी जिम्मेदारी टीसीडब्ल्यूजी जी मैनेजमेंट की है नोकलर का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है खाली मत बैठिए कुछ स्टेप्स लीजिए लेकिन हाँ पूरी जिम्मेदारी नॉन कंप्लायंस को प्रिवेंट करने की डिटेक्ट करने की करेक्ट करने की प्रेजेंट करने की ये टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट की है नोकलर आने की वजह से हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमको ज्यादा काम करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नोकलर आया हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है उसके अंदर हमको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए वो हमको बता रहे बेसिकली लिसन नोकलर आया मतलब पूरे लॉ का नॉन कंप्लायंस चेक करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पूरी जिम्मेदारी आज भी जिनकी कंपनी वही कंप्लायंस ऑफ लॉ संभालेंगे उनकी जिम्मेदारी रहेगी नॉन कंप्लायंस से डील करना तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है ठीक है आपको पता होना चाहिए कैसे रिएक्ट करना रिस्पॉन्ड करना कुछ इंपॉर्टेंट बातें गाइस लिसन ये देखो आई अंडरस्टैंड थोड़ा नोकलार no का थ्योरी है ये नोकलर का थ्योरी अभी थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे सी एक्ट देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सी एक्ट लेस अंडरस्टैंड ठीक है फटाफट नाउ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नोकलर आर गिवन बिलो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट हमारी जिम्मेदारी बदल गई मैं कंपनी का पूरा कंप्लायंस करवाऊंगा ऑडिटर की जिम्मे ऑडिटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल गए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी जिम्मेदारी रहेगी पूरा कंप्लायंस करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हर नॉन कंप्लायंस को जाके इन्वेस्टिगेट करना ऐसा भी नहीं है कंप्लायंस करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कुछ गड़बड़ निकली तो इन्वेस्टिगेट करवाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है एक ऑडिटर की एक फाइनेंस प्रोफेशनल की बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है ठीक है तो बहुत सिंपल सबसे पहली चीज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस और इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरीके से हम जिम्मेदार नहीं है नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ना कंप्लाइव करवाने के लिए इन्वेस्टिगेशन ठीक है नो एक्सट्रीम एक्सपर्टीज नो एक्सट्रीम एक्सपर्टीज मतलब हमको एकदम लॉ का एक्सपर्ट बन जाना पड़ेगा दिन रात लॉ पढ़ना पड़ेगा उसके केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे एकदम एक्सट्रीम एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जितना नॉलेज हमारे पास में रहता है ऑडिट करने के लिए उतना ही नॉलेज लेकर हमको जाना है ज्यादा लॉ पढ़ने पड़ेंगे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी ज्यादा कंप्लाइंस देखना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई कंप्लांस हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हम जितना एक नॉर्मल ऑडिट करने के लिए नॉलेज लगता है उतना ही लॉ का नॉलेज होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं नॉन एप्लीकेबिलिटी नोकलार डज नॉट कवर मैटर्स दैट आर क्लियरली इन कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स विच आर क्लियरली इन कॉन्सिक्वेंशियल इमर्टल चीज़ें एक दो दिन डीले हो गया फाइलिंग में प्लीज यार वहां पर नोकलार को मत लगाओ हर जगह पर नोकलार को मत घुसेड़ो कहीं पे एक आध दो दिन डीले है डीले का थोड़ा सा फाइन है वहां पे नोकला नहीं लगाते यार, क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंशन में लगाते पर्सनल मिसकंडक्ट में भी नहीं लगाते तो क्या हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई नहीं क्या हमको ज्यादा एक्सपर्टीज लाना है नहीं क्या हर जगह पे लगना है नहीं डोंट गो अगेंस्ट लॉ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड such आर नॉट contrary to द लॉ हमको जाके हर छोटी मोटी चीज अथॉरिटी को बताना है ऐसा भी नहीं है ऐसा ऐसा बच्चों को ऐसा लगता है नोकलर आ गया नोकलर आ गया सारे नॉन कंप्लायंस को इंस्टाग्राम पे डाल दो ट्विटर पे डाल दो स्टेटस पे डाल दो ये नॉन कंप्लायंस मिला नॉन कंप्लायंस मिला ऐसा नहीं है ठीक है हम लोग नॉन कंप्लाइंस को बताएंगे लेकिन देखते वक्त वेरी इंपॉर्टेंट चेक करना पड़ेगा लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है तो ध्यान रखना जिम्मेदारी बढ़ गई ऐसा नहीं है एक्सपर्टीज बढ़ाने पड़ेगा ऐसा नहीं है एक्सक्लूजन तो रहेंगे एक्सक्लूजन पहले ही इनकॉन्सिक्वेंशियल चीजें है पर्सनल मिसकंडक्ट है एंड कॉन्ट्ररी डिस्क्लोजर करना पड़ता है इसमें लेकिन लॉ को तोड़ नहीं सकते यू कैन नॉट ब्रेक लॉ ठीक है, गाइस तो बहुत सिंपल सा हम पढ़ रहे नोकलार का कॉन्सेप्ट के ऑब्जेक्टिव उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोकलार। सर तो एप्लीकेबिलिटी क्या मैंने आपको बोला था कोड ऑफ एथिक्स आपको बोला था मैंने कोड ऑफ एथिक्स जो है वो सेक्शंस में बटा हुआ है सेक्शन हंड्रेड सेक्शन टू हंड्रेड सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड ऑन तो सर्विस वालों के लिए है सर्विस वालों के लिए पार्ट टू था हम ऊपर पढ़ कर पार्ट था इसलिए सेक्शन टू प्रैक्टिस वालों के लिए है पार्ट इसलिए सेक्शन है अभी इन्होंने बोला है कि अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो नोकलार के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना स्टेप्स लेना एक्शंस लेना कौन से स्टेप्स एक्शन आगे पढ़ेंगे ये किसको सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस एक चार्ट अकाउंटेंट है जो अभी अभी लगा है कंपनी में और एक चार्ट अकाउंटेंट है जो पंद्रह साल से काम कर रहा बीस साल से काम कर रहा है तो जो पंद्रह बीस साल से काम कर रहा वो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट है नोकलार को इंप्लीमेंट करना उसकी जिम्मेदारी है डी सप्लाइज सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस हु आर एम्प्लॉयड ऑफ लिस्टेड वो भी लिस्टेड कंपनी में लिस्टेड कंपनी में जो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट है ठीक है हो सकता है वो डायरेक्टर के पोस्ट पे बैठा हो ऑफिसर के पोस्ट पे बैठा हो सीनियर एम्प्लॉय के पोस्ट पे बैठा हो जो कि इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन मेकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन गाइस, अगर कोई बंदा कोई चार्ट अकाउंटेंट जॉब कर रहा है अगर कोई चार्ट अकाउंटेंट जॉब कर रहा है अगर वो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट है लिस्टेड कंपनी में हो सकता है डायरेक्टर बनकर बैठा हो ऑफिसर बनकर बैठा हो सीनियर एम्प्लॉय बनकर बैठा हो हु कैन सिग्निफिकेंटली इंफ्लुएंस एंड मेक डिसीजन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस उनको हम की मैनेजमेंट जिनके हाथों में पूरी ऑर्गेनाइजेशन है की मैनेजमेंट पर्सन भी बोलते हैं ठीक है थीके, उनको नो फॉलो करना पड़ेगा तो कम फाइनल जो चार्ट अकाउंटेंट्स जॉब कर रहे हैं उनको सेक्शन 260 लगता है उसमें ऐसा ले गया है जो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स है जो एक्सपीरियंस सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स है की मैनेजमेंट पर्सन है इनको नॉन कंप्लाइंट वो भी लिस्टेड कंपनी में सीनियर लिस्टेड कंपनी में इनको नॉन कंप्लायंस के बारे में पता चला तो नोकलार के स्टेप्स लगाने पड़ेंगे तो लिस्टेड कंपनी में सीनियर चार्ट अकाउंटेंट सीनियर चार्ट अकाउंटेंट को अगर नोकलर सामने आया तो उसको इसको फॉलो करना पड़ेगा मतलब अनलिस्टेड कंपनी में कुछ भी हो सब चलता है अभी के लिए तो भी अनलिस्टेड कंपनी में कुछ भी हो ठीक है नोकलार नहीं लगाना है नोकलार नहीं लगाना है सही बात है भाई नोकलार प्रैक्टिस वालों के लिए देखो एप्लीके डिस्कस कर रहे कंपनी में जो सीनियर सीनियर चार्ट अकाउंटेंट है उन्हीं को नोकलर लगाने की जिम्मेदारी है लिस्टेड कंपनी में जो सीनियर चार्टेड अकाउंटेंट्स है उन्हीं को नोकलर करने की अभी दिख रही चीजें उन्हीं को नोकलर लगाना पड़ेगा जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है अगर कोई बंदा ऑडिट कर रहा है लिस्टेड कंपनी का लिस्टेड कंपनी का और जिसका नेटवर्थ 250 फिफ्टी और मोर हो अगर आप ऑडिट कर रहे हो लिस्टेड कंपनी का और नेटवर्थ 250 फिफ्टी और मोर हो 250 फिफ्टी और मोर ठीक है तो फिर ऐसे फिर ऐसे चार्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में फर्म और उनके लोग उनको नोकलार लगेगा तो बड़े कंपनियों में जो चार्ट अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं उनको नोकलार लगेगा बड़े कम्प, लिस्टेड कंपनी बड़े कंपनियों का ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट करते वक्त नोकलार लगाना पड़ेगा नोकला लगाना मतलब क्या नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ को रिस्पॉन्ड करना आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर जो जॉब करने वाले वो भी लिस्टेड कंपनी में नोकलर लगेगा प्रैक्टिस करने वाले लिस्टेड कंपनी का प्रैक्टिस करोगे तो ही नोकलर लगेगा वहां पे सीनियर प्रोफेशनल की मैनेजमेंट पर्सन है उनको लगाना है यहाँ पे ऐसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया टू फिफ्टी बचपन से ऑडिट का डेफिनेशन दिया था ठीक है यहां पे सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट्स को लग रहा है अभी देखो नोकलियर बहुत नया नया कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए एकदम से लाख को परेशान नहीं करना चाहते इसलिए में भी listed employees को लगाया, ठीक है एम्प्लॉयज में भी लिस्टेड कंपनियों के इसको लगाया। ऊपर से प्रैक्टिस में तो और एक बात बोल दी, ढाई सौ करोड़ वही पे नोकला लगेगा Guys, I hope it is आपके दिमाग में. Let's freeze ऐसे टू फिफ्टी है सर ऐसे टू फिफ्टी टू फिफ्टी अगर आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो क्या लॉ का कंप्लायंस लॉ का कंप्लायंस हमने कितना चेक करना चाहिए लॉ का लॉ का कंप्लायंस लॉ का कंप्लाइंस हम लोगों ने कितना चेक करना चाहिए उसके लिए ऐसे टू फिफ्टी है कौन से कौन से लॉ का कंप्लायंस चेक करे कितना कंप्लाइंस चेक करे दैट इज एसे टू फिफ्टी दोनों फर्क क्या है सबसे पहला एप्लीकेबिलिटी एसे टू फिफ्टी लगता है जब एक चार्ट अकाउंटेंट ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एसे टू फिफ्टी हर जगह पे नैरो पे नैरो है ओनली टू ऑडिट्स हर जगह पे नैरो नोकलर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगता है फिर वो चार्ट अकाउंटेंट कोई भी प्रैक्टिस करे ऑडिट की प्रैक्टिस टैक्स की प्रैक्टिस फाइनेंस की प्रैक्टिस कॉस्टिंग की प्रैक्टिस कोई भी प्रैक्टिस करे या फिर चार्ट अकाउंटेंट कोई भी जॉब करे सर्विस करे उसको भी लगता है बोथ इन सर्विस वाले लोगों को भी लगता है और प्रैक्टिस वाले लोगों को भी लगता है मैंने एप्लीकेबिलिटी में नोकलर का स्कोप नोकलर की एप्लीकेबिलिटी ज्यादा है अलग अलग असाइनमेंट्स को भी लगता है प्रैक्टिस वालों को भी लगता है जॉब वालों को भी लगता है अगर मैं बात करता हूं लॉस कवर्ड ऐसे 250 बहुत रिस्ट्रिक्टेड है जो लॉस का बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट है इंडस्ट्री पे डायरेक्ट इंपैक्ट है फार्मा कंपनियों पे जो लॉ का डायरेक्ट इंपैक्ट है ऑटोमोबाइल कंपनी पे डायरेक्ट इंपैक्ट है बैंक का डायरेक्ट इंपैक्ट है जो बिजनेस ऑपरेशन पे इंपैक्ट डालते या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियल इंपैक्ट डालते हैं ऐसे लॉ के कंप्लायंस को ही चेक करने को लेकर बोलता है ऐसे 250, फिफ्टी ऐसे टू का लॉ कवरेज वापस थोड़ा सा नैरो है डायरेक्टली अफेक्ट ठीक है डायरेक्टली अफेक्ट्स, अफेक्ट्स मटेरियल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब आपके टैक्स लॉस आपके टैक्स लॉस शेड्यूल थ्री बस इनको कवर करता है लेबर लॉस जहां पे प्रोविजन फॉर बोनस प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी पे इम्पैक्ट है बस उसी को कवर करता है इट कवर्स ओनली दो बहुत लिमिटेड या फिर जिसका बिजनेस ऑपरेश जो लॉस का बिजनेस ऑपरेशन पे इम्पैक्ट है जैसे मैंने फार्मा कंपनी बोला फार्मा के लॉस बैंक के आरबीआई के नॉर्म्स बिजनेस ऑपरेशन पे इम्पैक्ट है या फिर मटेरियल फाइनेंशियल आइटम्स पे इम्पैक्ट है उसको चेक करने बोलता है नोकलर ऐसा नहीं बोलता नोकलर बोलता कोई भी लॉ का नॉन हो नोकलर बोलता कोई भी एक्सटेंड कोई भी एनवायरमेंटल लॉ हो सकता है एनवायरमेंटल लॉ हो सकता है सेक्शुअल हरासमेंट का लॉ हो सकता है नार्कोटिक्स का लॉ हो सकता है कोई भी लॉ जिससे कंपनी को हेवी इंपैक्ट पड़ता है सब्सटेंशियल हार्म पड़ता है वो सारे के सारे नोकलार में कवर्ड है वापस कवरेज बड़ा है एप्लीकेबिलिटी ज्यादा असाइनमेंट्स में है लॉ का कवरेज भी कोई भी लॉ जिसका हार्मफुल इंपैक्ट होता हो बड़ा हार्मफुल इंपैक्ट होता हो सब नोकलार में आ गया स्टेक होल्डर की अगर हम बात करें टॉक अबाउट स्टेक होल्डर ऐसे टू फिफ्टी स्टेक होल्डर की बात नहीं नोकलार तो बोलता है आप ये सोचो इन्वेस्टर्स पे क्या इंपैक्ट है उससे छोटे जिन्हें पैसे उस क्या क्रेडिट है इंप्लॉइज पे क्या इंपैक्ट है जनरल पब्लिक पे क्या इंपैक्ट है इन्वेस्टर्स पे क्या इंपैक्ट है क्रेडिटर्स एम्प्लॉय जनल पब्लिक पे क्या इंपैक्ट सब सोचने को बोलता है फिर ब्रॉडर है क्या डिस्क्लोजर के बारे में बोलता, yes. बोलता है जाके अथॉरिटीज को बताओ लेकिन उसमें भी कंडीशन है ऐसे टू फिफ्टी बोलता है इतने जल्दी अथॉरिटीज ऐसे टू फिफ्टी बोलता है बस लॉ को पढ़ो अथॉरिटीज को जाना कि नहीं जाना लॉ पढ़ के समझो ऐसे 250 बोलता है लॉ को पढ़ो लॉ बोलता होगा तो अथॉरिटीज के पास जाओ नहीं तो मत जाओ तो ऐसे 250 बहुत डिप्लोमेटिक है और सीधा डिस्क्लोजर करने के बारे में नहीं बोल बोला नोकलार बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है स्टिपुलेट करता है एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस अगर एमिनेंट ब्रीच ऑफ लॉ हो अगर कोई बहुत ही बड़ा एमिनेंट ब्रीच ऑफ लॉ और रेगुलेशन हो कोई बहुत बड़ा लॉ तोड़ा है सिक्योरिटीज लॉ तोड़ा है बहुत बड़ा इंपैक्ट है सबस्टेंशियल हार्म भाई साहब ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई कंपनी गई भैंस पानी में बहुत बड़ा इंपैक्ट है नार्कोटिक्स में इन्वॉल्व हो गए बहुत बड़ा इंपैक्ट है दे शुड फर्स्ट कंसिडर डिस्कसिंग द मैटर विद मैनेजमेंट दे शुड देन एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट कि क्या करना चाहिए पहले जहां पर भी नॉन कंप्लाइन है वहां के टीसी डब्ल्यू मैनेजमेंट से करो और चर्चा करो और क्या करना चाहिए ठीक है ऐसे डिस्क्लोजर की बात टू फिफ्टी में नहीं है तो भाई ऐसे टू फिफ्टी बहुत पिछड़ा हुआ है ठीक है बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है ये तो सबको लग रहा है ये सिर्फ ऑडिट को लग रहा है सबको लग रहा है ठीक है लॉ कवरेज भी नो क्लार का ज्यादा है स्टेक होल्डर डेफिनेशन भी है डिस्क्लोजर भी करने को बोलता है ये तो कभी बोलता ही नहीं है इट नेवर टॉक्स अबाउट इट ठीक है ऐसे टू फिफ्टी बोलता ही नहीं बोलता है लॉ लॉक बस फॉलो करो इस बार एग्जाम में आया था इस बार एग्जाम में आया था आपको अच्छा अगर रिस्पॉन्डिंग टू तो नोकलर इतना हमने बोला नोकलर 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 नॉन नोकलर हुआ तो क्या करना नोकलर हुआ तो क्या करना हुआ तो क्या करना ठीक है सबसे पहले तो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी अलग होती है और अदर देन सीनियर्स इनकी अलग होती है सुनो अभी एप्लीकेबिलिटी में वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कोई केस आ सकता है अभी applicability में सिर्फ senior accountants को क्या करना पड़ेगा Listed company में उतना ही लगा है अदर चार्ड अकाउंटेंट्स को क्या करना पड़ेगा Other accountants को क्या करना पड़ेगा यह अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ इंडिया में सिर्फ सीनियर चार्ड अकाउंटेंट्स को क्या करना पड़ेगा लिस्टेड कंपनी में यह एप्लीकेबल हुआ है Are you getting this point? I hope it is clear. फिर भी और ऑडिट में भी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो नेटवर्क टू फिफ्टी 250 टू फिफ्टी क्रोर्स, क्रोर्स ठीक है और मोर तभी लगेगा ऑडिट कर रहे हो तो प्रोफेशनल अकाउंट क्या करना है ठीक है वही बचता है वहां पे ऐसा कोई सीनियर जूनियर नहीं है जो बंदा प्रैक्टिस में है उसमें ऐसा कोई सीनियर जूनियर नहीं है ये स्टेप्स टू तो बी टेकन क्या स्टेप्स लेने होंगे ये एग्जाम में क्वेश्चन था रिसेंटली ये एग्जाम में क्वेश्चन था कि नॉन कंप्लायंस मिलेगा तो क्या इंस्टीट्यूट के मटेरियल में सिर्फ एक सिंपल छोटा सा चार्ट है सिर्फ एक सिंपल छोटा सा चार्ट है. मजा नहीं है मतलब सपोज आपको पता चलता है कि ये कंपनी हार्मफुल वेस्ट हार्मफुलेस्ट गंगा नदी में डंप कर रहे हैं एनवायरमेंटल लॉस की धज्जिया उड़ा रहे लोग अंडरस्टैंड जाके समझो एग्जैक्टली exactly क्या कर रहे हैं लोग कौन से कौन से लॉ का नॉन है अंडरस्टैंड करो एड्रेस द मैटर इमीजिएट का सीनियर होगा टीम का सीनियर होगा फॉर्म का मैनेजमेंट उनसे डिस्कस करो चर्चा करो देखो ऐसा नॉन कम्प्लायस मिल रहा है नॉन कंप्लायंस मिल रहा है पहले समझो अंडरस्टैंड द मैटर जैसे मैंने बोला कि डंपिंग हो रही है अंडरस्टैंड द मैटर फिर एड्रेस द मैटर जाके डिस्कशन करो यार इतना सारा डंप वेस्ट करे डिस्कस करो फर्दर एक्शन की जरूरत है क्या बहुत सारे एक्शन होते हैं क्या हमने टॉप मैनेजमेंट के, के पास जाना चाहिए? करना चाहिए? हमने और बड़े लोगों के पास जाना चाहिए क्या रिजाइन करना चाहिए क्या एडवाइस एडवाइस लो लॉ फॉर्म से एडवाइस हैं सीए इंस्टीट्यूट से एडवाइस ले सकते हैं ठीक है डिटरम वेदर टू डिस्कलोज द मैटर टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी सही अथॉरिटी क्या किसी को डिस्कलोजर करना है क्या बहुत कम होता है डिस्कलोज करना है क्या वो भी सोचो ब्रीच बहुत बड़ा ब्रीच जिससे सब्सटेंशियल नुकसान हो रहा है इमीजिएट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट अगर एमिनंट ब्रिज है तो एमिनेंट ब्रिज है तो और फाइनली डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा भाई साहब क्या क्या स्टेप्स है पहले पूरे मुद्दे को समझो कि भाई क्या डंपिंग हो रही है एड्रेस करो सीनियर से डिस्कस करो टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट से डिस्कस करो फर्दर एक्शन फर्दर एक्शन अगर एड्रेस आपने अंडरस्टैंड कर लिया लिख लिया ठीक है कम्युनिकेट किया फर्दर एक्शन और मैनेजमेंट के पास जाना है क्या सीनियर के पास जाना है क्या छोड़ना है क्या सोचना पड़ेगा एडवाइस लो एडवाइस इट डिस्क्लोज द मैटर टू अप एडवाइस लो फाइनली सोचो अप करना क्या डिस्क्लोज एमिनेंट ब्रिज तो इमीडिएट कम्युनिकेशन बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट ये मोटा मोटी स्टेप्स है आपको डिटेल नहीं है मोटा मोटी अथॉरिटी ठीक है नेचर ऑफ मैटर बैंकिंग वाला होगा तो आरबीआई सिक्योरिटीज मार्केट का होगा तो सेबी एंड सो so ऑन अथॉरिटी जिनको तुम कम्युनिकेट करोगे ध्यान से वैल्यूएट करना कौन सा मामला है उसके हिसाब से होगा ठीक है सेबी इन केस ऑफ फ्रॉड फ्रॉडन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड सेबी इज द बेस्ट अप्रोपरियट जिसको भी जाना है अप्रोपरियट अथॉरिटी के पास जाओ भाई ठीक है सर क्या नॉन कंप्लायंस देखो ये आ, बीच में से मॉड्यूल में आया इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे बेसिकली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप कॉन्फिडेंशलिटी तोड़ते हो तो इसको मिसकंडक्ट एक गलत एक्टिविटी माना जाता है और पनिश किया जाता है आप अगर जॉब में और कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ते हो इसको भी मिसकंडक्ट माना जाता है मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ लेटर बाद में पढ़ेंगे इसको ठीक है लेट्स अंडरस्टैंड गाइस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट इन अरे रे रे, बहुत 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 आसान देखो सीक्वेंस में पहले जो भी पूरा मामला था कि भाई वेस्टेज को डंप कर रहे थे टैक्स का इवेजन था मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे उसको अंडरस्टैंड पूरी जानकारी लिख दो क्या नॉन कंप्लायंस था आपने कौन से कौन से किस किस से डिस्कस किया आप कंपनी के लोगों के पास गए टी के पास गए मैनेजमेंट के पास गए कलीग्स के बात गए एक्सपर्ट के पास गए नॉजेबल लोगों के पास गए उनके डिस्कशन लिखो मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स था क्या नोकलार को ठीक करने रेक्टिफाई करने के लिए मैनेजमेंट ने कुछ किया क्या टीसीब्ल्यू मैनेजमेंट ने अकाउंटेंट का क्या रिस्पॉन्स था मतलब चार्ट अकाउंट का क्या क्या रिस्पॉन्स था इसने क्या क्या स्टेप्स लिए इसने समझने के लिए स्टेप्स लिए क्या अंडरस्टैंडिंग ली क्या किस किस को इन्फॉर्म किया सीनियर्स को इन्फॉर्म किया क्या किस किस को बताया वो देखो किस किस से किस किस से डिस्कशंस किए किस किस से सलाह मशवरा लिया किस किस को बताया वो समझो पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए इसके लिए क्या किया पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को लोगों को नुकसान, लोगों नुकसान उसके इसके लिए क्या किया तो बहुत सिंपल है क्या अंडरस्टैंडिंग थी किस किस से डिस्कशन हुआ उनकी स्टेप्स अपनी स्टेप्स पब्लिक इंटरेस्ट देखो भी बोलता, है. बोलता है कि जब, बोलता है कि जब भी आपको, या मिले, आपको ये बातों को नोट करके रखना चाहिए तो ऊपर डॉक्यूमेंटेशन तो हो गई स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग भी लगते हैं अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो एंड ऑडिटिंग भी लगते हैं नॉन कंप्लायंस की इंफॉर्मेशन नहीं पड़ेगी इट इज सिग्निफिकेंट मैटर सफिशिएंट डिटेल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मैटर एंड हाउ सिग्निफिक्स मेड टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑल्सो डिस्कशन विथ मैनेजमेंट एंड टी सी डब्ल्यू जी भाई साहब देखो ये तो नोकलार के थे पूरे के पूरे ये तो नोकलार के क्या क्या क्या, क्या अंडरस्टैंडिंग थी देखो देखो इतना सारा ये थेरी जो पोर्शन है आप इसके बार बार ऑडियो सुनकर ही खुद को कंफर्टेबल आप रख सकते हो यू कैन कीप योर सेल्फ और आज से मैं आप लोगों को लेक्चर वन का भी और इस लेक्चर का भी आपको मैं ऑडियो रिविजन दूंगा उसको मल्टीपल दिन में दो बार दो ऑडियो सुनने के और ज्यादा तो तीन मतलब आज का पिछले दिन का आज का पिछले दिन का ठीक है नाउ स्टैंडर्ड्स नोकलार के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग में अगर ये सिग्निफिकेंट सस्पेक्टेड और नॉन और एक्चुअल नॉन कंप्लायंस ये बहुत बड़ा मामला है इसके जो डिटेल्स मेंटेन करने पर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने पड़ते उतने तो करने ही पड़ेंगे गाइस फाइनली वी आर थ्रू विद टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बहुत बड़ी बड़ी चीजें बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों ने कवर की जिन लोगों को चीजें मिली नहीं है मिल जाएगी आपको कोई भी एडमिन अगर आपको एडमिन का कोई भी है ठीक है नाइन थ्री डबल टू जीरो डबल वन नाइन वन फाइव ठीक है नाइन थ्री डबल टू जीरो डबल वन नाइन वन फाइव आपको यहां पर आपको बात करनी है सुबह ग्यारह बजे से शाम को छ बजे तक ठीक है तो गाइज बहुत ही प्यारा सा हम लोग क्या क्या देख चुके हैं आपको बता दो एक ओवरव्यू में दे दू आपको हम लोग कोड ऑफ एथिक्स में जो पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं वो हम लोग देख चुके उसके जो थ्रेट्स होते हैं वो हम लोग देख चुके थ्रेट्स एक प्रैक्टिसिंग चार्ड अकाउंटेंट्स के एग्जाम्पल देख चुके एक जॉब करने वाले के एग्जाम्पल देख चुके ये जो नोकलार है नॉन कंप्लायंस कि भाई नॉन कंप्लायंस मिला तूने क्या करना चाहिए वॉट यूर सपोज टू डू बहुत सिंपल बात है उसको समझना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए किसी और को बताना सोचना चाहिए विड्रॉल का सोचना चाहिए लॉयर लोगों से बात करनी चाहिए ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए उसको डॉक्यूमेंट करके रोक सोचना रखना चाहिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है ये नॉन नोकलार में दिया नोकुलर का एक ओवरव्यू है आप लोगों को इन इनडेप्थ नहीं है एक ओवरव्यू दिया हुआ है जितना अपने मॉड्यूल में दिया है उतना इंपॉर्टेंट है वो हम अच्छे से करते जाएंगे ठीक है सी गाइस लास्ट फ्यू कॉन्सेप्ट्स मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ठीक है ये बेसिक्स ये बेसिक मोटा मोटी कोड ऑफ एथिक्स और नोकलार खत्म हुआ है कोड ऑफ एथिक्स और नोकलार खत्म हुआ है हमारा ठीक है इसके बाद में और बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें आने वाली है हमारा एक्ट है वो भी आने वाला है लेट्स सी मेंबरशिप द इंस्टीट्यूट कोई भी चार्ट अकाउंटेंट अपनी एग्जाम्स क्लियर कर अप... कोई भी चार्ट अकाउंटेंट अपनी एग्जाम्स क्लियर करने के बाद में आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद जो ट्रेनिंग है वो खत्म करने के बाद उसको एप्लीकेशन यस अप्लाई करना पड़ता है आपको जानकर हैरानी होगी आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे चार्ट अकाउंटेंट बहुत सारे बच्चे पास होने के बाद मेंबरशिप नहीं लेते जॉब में इतने बिजी रहते मेंबरशिप लेना भूल जाते हैं yes, यस ऐसा देखा है मैंने। है मैंने ठीक ओके तो किसी को भी अपनी एग्जाम्स हो गई ट्रेनिंग्स हो गई आर्टिकलशिप ट्रेनिंग हो गई फिर अप्लाई करना पड़ता है और आपका नाम रजिस्टर में लिखा लिखा जाएगा जब आपका नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा यू विल बिकम बर ऑफ आईसीए में और साथ में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा सर्टिफिकेट मिलेगा में चाहते हो तो प्रैक्टिस करने का भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा बहुत सिंपल बहुत आसान इसमें कुछ ये सी कैटेगरी है ये एग्जाम में आने वाला नहीं है इट इज नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम मेंबरशिप ठीक है आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे उसी का आपको बेसिक डिटेल्स नाम अत ठीक है नाम अता पता डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे ठीक है डेट आप कब बने सीए वो डेट देना पड़ेगा सीओपी के बता। तो बेसिक डिटेल्स परस, बेसिक पर्सन नाम अता पता डिटेल्स ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है और इसके अलावा अगर लॉ में कुछ और भी लिखा है तो और भी इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं ठीक है डिसबिलिटीज फॉर द परपज ऑफ मेंबरशिप सेक्शन एट सेक्शन एट अभी हमने बोला कि किसी को अगर मेंबर बनना है किसी को अगर किसी को अगर मेंबर बनना है तो बहुत सिंपल है इफ एनी वन वॉन्ट टू बिकम द इंस्टीट्यूट एनी वन मतलब आप एग्जाम एग्जाम क्लियर लेकर एप्लीकेशन दे करके आप बन सकते हो लेकिन कुछ लोग सी एनसीट का मेंबर नहीं बन सकते सेक्शन एट के साथ देखो एक सीक्वेंस है बड़े प्यारे सीक्वेंस है जो बंदा अभी बड़ा ही नहीं हुआ एज लिमिट है ठीक है ट्वेंटी साल का बंदा होना चाहिए जो इक्कीस साल का अभी तक नहीं हुआ बिलो ट्वेंटी वो बंदा मेंबर नहीं बन सकता ठीक है तो एज पहले बड़ा होना चाहिए फिर दिमाग से भी बड़ा होना चाहिए पहले तो एज में बड़ा होना चाहिए दिमाग से बड़ा होना चाहिए एनी पर्सन हु इज एडज एडजस्ट By core, unsound mind. अगर कोई बंदा अन ऐसे तो बड़ा हो गया दिमागी हालत बराबर नहीं है दिमाग से बड़ा नहीं हुआ है अगर कोई भी बंदा अनसाउंड माइंड कोई भी जज कोई भी कोर्ट अगर बोलता है कि यह अनसाउंड माइंड का है इसकी दिमागी हालत सही नहीं है वो बंदा भी चार्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वो बंदा भी चार्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता आर यूनिंग दिस पॉइंट ठीक है अगर एज में बड़े नहीं हो सीए नहीं बन सकते दिमाग से बड़े नहीं हो अनसाउंड माइंड सीए नहीं बन सकते ज्यादा ही बड़े हो गए इनसॉल्वेंट अगर आपकी लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स अगर आपकी लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स ठीक है ज्यादा ही होशियारी कर दी लोग पैसे आपने डुबा दिए आप इंसॉल्वेंट हो आप चार्ट अकाउंटेंट नहीं बन सकते इसमें खास बात नॉलेज के लिए नॉलेज के लिए एक बहुत ही सिंपल एक खास बात इससे आपको मदद मिलेगी जो भी बंदा है कोई भी बंदा है उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है और उसके एसेट्स कम है तो वो इंसॉलेंट होता है अ पर्सन इज नॉट एबल टू पे हिज आर लाइबिलिटीज पर्सन कैन गो टू द कोर्ट एंड प्रूव दैट इज लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स देन कोर्ट विल वियर इम इंसॉलेंट कोई भी बंदा कोर्ट के पास जाता है और बोलता है मेरी लाइबिलिटीज ज्यादा है मेरी लाइब्रेरी ज्यादा एसेट्स कम है तो कोर्ट उसको बोलेगा तुम इंसॉल्वेंट है फिर पर्सन रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज मेरे एसेट्स का कंट्रोल ले लो उसको बेच दो और जिस जिस के पैसे बनते उसको दे दो ठीक है तो कोर्ट एसेट्स को बेचेगा और पेमेंट कर देगा और उसको डिस्चार्ज कर देंगे कि भाई अब तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है अब तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं पता है उसको बोलते डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ज इंसॉल्वेंट आर यू गडिंग कोर्ट बोलते हैं हां तेरे पास में पैसे नहीं है तो इंसॉल्वेंट हो गया तेरे पास में पैसे नहीं है तो क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया ठीक है एंड देन अब तो इंसॉल्वेंट हो गया और तेरे एसेट्स हमने बेच के लाइब्रेड को पे कर तो डिस्चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज हो गया डिस्चार्ज इंसॉलमेंट ठीक है ऐसे बंदे को डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बोलते हैं जब उसको डिस्चार्ज करते हैं अगर कोर्ट को ऐसा लगा इसकी गलती नहीं थी आ गया और उसकी वजह से बर्बाद हो गया इसकी गलती नहीं थी तो उसको मिस फॉर्च्यून उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा मिस फॉर्च्यून का सर्टिफिकेट मिलेगा मिस फॉर्च्यून का ठीक है देखो ये बहुत सिंपल है पहले बंदा इंसॉल्वेंट होता है फिर वो डिस्चार्ज होता है और अगर उसकी गलती नहीं थी अर्थक्वेक की वजह से नेचुरल कैलॉमिटी की वजह से उसको नुकसान हुआ फिर बंदा मिसफॉर्चून सर्टिफिकेट होता है अगर कोई बंदा अभी इंसॉल्वेंट है डिसक्वालिफाइड मतलब वो ही कैन नॉट बिकम सी है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है अभी कोई बंदा सिर्फ इंसॉल्वेंट हुआ है डिसक्वालिफाइड सीए नहीं बनता ही कैनोट बिकम मेंबर ठीक है मेंबरशिप में तो उसको बाहर निकाल दो अगर कोई बंदा डिस्चार्ज हुआ है ठीक है तो भी ही डिस्कालीफाइड डिस्चार्ज होने के बाद अगर उसके पास मिसफॉर्च्यून सर्टिफिकेट है मिसफॉर्च्यून सर्टिफिकेट है तो ही वो क्वालिफाई होता है देखो बस स्टेप बाय स्टेप है बंदा इंसॉल्वेंट हो गया डिस्कालीफाइड इंसॉल्वेंट के बाद में डिस्चार्ज हो गया अभी भी डिस्कालीफाइड डिस्चार्ज के बाद उसको मिसफॉर्च्यून सर्टिफिकेट मिला उसकी गलती नहीं है Then only he becomes qualified. तो किसी भी बंदे को एक पूरे जर्नी से गुजरना होगा स्टेप से गुजरना होगा इंसॉल्वेंसी से गुजरना होगा डिस्चार्ज से गुजरना होगा मिसफॉर्च्यून सर्टिफिकेट से गुजरना होगा तीनों चीजें लेनी होगी तभी जाके वो बचेगा तो वापस एज में बढ़ानी है डिसक्वालिफाइड मेंटल कैपेसिटी बराबर नहीं है डिसक्वालिफाइड ठीक है इंसॉल्वेंट तीनों से क्रॉस नहीं किया डिस्क्वालिफाइड कन्विक्टेड फॉर मॉरल टर्पिट्यूड कोई बहुत ही खून खराबा कर दिया टेररिज्म कर दिया ड्रग्स कर दिया ठीक है बहुत बुरा काम कर दिया डिसक्वालिफाइड अगर उसको पार्डन मिल गया अगर उसको लॉ के अंदर माफी मिल गई तो बच सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बचा ले सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी डिसेबिलिटी दूर कर ले कभी कभी करता है कि यार ये बहुत अच्छा है, इसके हाथ से गलती हो गई थी माफ कर दे तो बच सकता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे अगर प्रैक्टिस करते वक्त आप प्रोफेशनली कुछ गलत काम करते हो तो सीए इंस्टीट्यूट आपको मेंबरशिप से निकाल सकता है अगर इंस्टीट्यूट ने मेंबरशिप से आपको निकाल दिया है तो वापस आप डिसक्फाइड हो यू कैन नॉट बिकम द इंस्टीट्यूट जितने समय सपोज छह महीने के लिए एक साल दो साल पांच साल न्यूज में आप सुनते होके डिस्कालीफाइड रहोगे अगर आपने ये सारी बातें इंस्टीट्यूट को नहीं बताई तो उसको भी अपने आप में एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोलते हैं आपको खुद बताना है नॉन डिस्कलोजर आपको खुद ये सारी बातें बताना देखो फटाफट बड़ा ही नहीं हुआ डिस्कालीफाइड मेंटली बड़ा नहीं हुआ डिस्कालीफाइड ज्यादा होशियारी कर दी इन डिस्कालीफाइड सर्टिफिकेट नहीं है क्राइम कर दिया, प्रोफेशनल के अंदर तेरे को निकाल दिया डिस्कालीफाइड ठीक है गाइस हम लोगों ने काफी सारी चीजें कर ली है दो लेक्चर्स हमने कर दिए हैं. इसका रिवीजन मैं आपको दे दूंगा आप जितनी बार ये रिविजन देखते जाएंगे उतना आप कंफर्टेबल फील करते जाएंगे you will become comfortable and comfortable. हम कोड ऑफ एथिक्स का बैकग्राउंड देख चुके ठीक है? हम कोड ऑफ एथिक्स का बैकग्राउंड देख चुके पूरा उसके अलग अलग प्रिंसिपल्स उसके थ्रेड्स देख चुके उसके बाद में हम नोकलार देख चुके अभी हम लोग छोटे छोटे सेक्शंस है सी एक्ट के छोटे छोटे सेक्शंस है वो हम लोग देखते जा रहे हैं पूरा का पूरा मॉड्यूल हम लोग कवर कर रहे हैं वी आर कवरिंग कंप्लीट मॉड्यूल ठीक है ओके okay गाइस, आज के लिए इतना काफी है बाय बाय